हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान शिरोमणि खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी तारीफ करता हूं, आपका गुणानुवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आप ही सारी आदर सारी इज्जत सारी महिमा सारे धन सारे शक्ति के योग्य खुदावन है, और आपने संसार से हमें चुन लिया प्रभु कि हम आपके एक लौते कहलाएं प्रभु, हम आपकी एक लौती दुल्हन हो खुदावन यीशु मसीह, जिसको देख करके आप बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु, जिसके बीच में आप आते हैं खुदावन। आज आप हमारे मध्य में यहां मौजूद हैं प्रभु, अपने वचन अनुसार खुदावन जहां आपने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूं। हे खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं, खुदा खुदाओं की सभा में है। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं खुदावन। ओ प्रभु ना आपसे पहले कोई था ना आपके बाद कोई हो सकता प्रभु, आपको खुदावन करेक्शन की जरूरत नहीं है प्रभु, आपको अपने वचन में सुधार करने की जरूरत नहीं है प्रभु। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप सॉवरेन गॉड हैं खुदावन। कैसे दाऊद जबूर 145 में कहता है मेरे मन हे मेरे खुदा हे राजा मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये तमाम खुदावंद नबी और तमाम बाइबल में पाए जाने वाले सेठ प्रभु इस युग में रहना चाहते थे खुदावंद, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये शर्फ आपने हमें दिया खुदावंद कि हम इस युग में रह सकें प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस युग में आपने तमाम भेदों को खोल दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं उस सातवें दूत के लिए खुदावंद जिसको आपने आज हमारे युग में भेजा प्रभु, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपका भेद संपन्न हो सके। लॉर्ड हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु, बड़े आभारी हैं खुदावंद, और आज आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत करें प्रभु, हमसे हम कलाम हो खुदावंद यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है खुदावंद कुछ बीमारों के लिए, कुछ अजीजों के लिए, खासतौर से प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सीमा विल्सन के लिए जिसकी बाएं जिनकी बाई टांग में खुदावन सुनपन है और खड़े होने में दिक्कत है प्रभु, उस बहन को संपूर्ण चंगाई दें। भाई अजय बंजीवन की पत्नी सिस्टर वेरोनिका के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके उल्टे पैर की नस चढ़ गई है खुदावन, चल नहीं पा रही, उनको संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर वंदना जेम्स के लिए, भाई मार्टिन जेम्स की पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका हीमोग्लोबिन खुदावन 5 के आसपास है, कमजोरी है, संपूर्ण चंगाई दें खुदावन, आपके खून बहाने से आपके कोड़े खाने से मेरी बहन चंगी हो चुकी लॉर्ड। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह बड़े दिलगीर होकर के खुदावन, भाई सुनील डेविड के बेटे फिनास के लिए खुदावन जिसका शुगर लेवल बहुत हाई है खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह आपने खुदावन हमारे जीवन की हमारे शरीर के एक एक कोष को आपने बनाया लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है खुदावन जहां भी त्रुटि है प्रभु आप उस बच्चे को छू लें खुदावन और संपूर्ण चंगाई दें और उसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए खुदावन और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। खुदावन प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शैली अग्रवाल के बेटे इमैनुअल के लिए जिसने गलती से खुदावन एक जहरीले पदार्थ को पी लिया खुदावन, प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे को खुदावन आप संपूर्ण चंगाई दें। ओ खुदावन बाइबल में लिखा है यदि हम नाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ नहीं हानि होगी, ओ खुदावन इस वचन की आयत को प्रभु इस बच्चे के ऊपर लगाता हूँ खुदावन, जबकि एक्सीडेंटली खुदावन उसने इस घातक वस्तु को पिया प्रभु आप संपूर्ण चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह आप से प्रार्थना करता हूँ भाई ग्लैडविन मैसी के लिए खुदावन जो कि द्वारका से हैं जिनको हाई फीवर वीकनेस है, संपूर्ण चंगाई दें खुदावन। तमाम मेरे और अजीज भाई बहन जो खुदावन बीमार हैं प्रभु और प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवा नहीं पाए लेकिन खुदावन उनके जिस्म में कमजोरी बुखार वीकनेस है, प्रभु यीशु मसीह आप तमाम वीकनेस को दूर करें प्रभु, अजीजों को संपूर्ण चंगाई दें। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आज आप हमारे बीच में आए, हमसे हम कलाम हमसे बातचीत करें, हमारे अजीज पास्टर को बड़ी बरकत दें खुदावंद, ताकत बल दें प्रभु, आने वाले 3 दिन की सभाओं में प्रभु आप आकर के अपने वचन को खोलें प्रभु,
मैं उस शब्द को बोल नहीं पाता खुदावन, जबकि हमारे बीच में 3 दिन की सभाएं हुई और अंतिम सभा में खुदावन लास्ट में खुदावन पास्टर भाई ने बोला कि 6 सभाएं हो चुकी, मैं वेट कर रहा हूं 7वीं का खुदावन। और हम ऐसी अपेक्षित हालत में हो खुदावन हर एक सभा के लिए प्रभु, क्या ये वो तो वो 7वीं सभा नहीं है? ओ लॉर्ड आप आए खुदावन, हमसे बातचीत करें। आज सुबह प्रभु अजीज भाई टाइटस के शरीर को आप ले खुदा, उनके शरीर में पल दे प्रभु, वो नहीं वरना आप उनके माध्यम से हमसे बातचीत करें खुदावन, और हमसे हम कलाम हो प्रभु यीशु मसीह, और अपने वचनों को हम पर खोलें खुदावन। प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो आए, बड़ी बरकत दें प्रभु, और मेरी प्रार्थना है वो भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से प्रभु अपने घर से सुन रहे हैं प्रभु, वो भी इन सभाओं से लाभान्वित हो सके खुदावन। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही शिरोमणि खुदावन है प्रभु, आपका नाम जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए उस कोरस को गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा है, आमीन। प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से
जीवन आप वास्तविकता में कितनी आशीषों से भरा, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय हैं। हे मैन, हे यहोवा, आपकी सारी सृष्टि आपका धन्यवाद करेगी और आपके भक्त लोग आपको धन्य कहा करेंगे। हालेलुया, 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 आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, हमें यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए लॉर्ड, ताकि हम अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद करें। आप स्तुति के योग्य लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। गीत का नंबर 3 गाएंगे हम, तारीफ हो यीशु आपकी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु आपकी, तारीफ हो यीशु आपकी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु आपकी, तारीफ हो यीशु आपकी, Hallelujah.
सुबह ओ शाम तारीफ हो यीशु आपकी हालेलुया तारीफ हो यीशु आपकी तारीफ हो यीशु आपकी हालेलुया तारीफ हो यीशु और आपको बरी आमीन। आपको केवल माफी नहीं दी लेकिन उसने आपको और मुझे धर्मी ठहरा दिया। आपने और मैंने पहली जगह पे कभी कोई गुनाह किया ही नहीं आमीन। चाहे हम वैश्यवृत्ति वाले इस प्रणाली में क्यों ना थे, तंत्र में थे, इन डिनोमिनेशन में पाए जाते थे, लेकिन खुदा के पास एक चीज है जिसको कहते हैं रीजनरेशन, नवीनीकरण। जब खुदावंद के पास आते हैं उसने उस वैश्यवृत्ति वाले तंत्र को हटा दिया हमारे अंदर से और उसने आपको एक चेस्ट वर्जन बना दिया, उसने आपको बिल्कुल नया कर दिया। हे मैन हालेलुया। इसलिए आज दुल्हन कह सकती है मौत तेरा टंका हरा एक तेरी कब्र तेरी फतेह कहने में। भाई केलब को अपने साथ बुलाना चाहूंगा इस गीत के लिए। ऐ मौत तेरा टंका हरा ऐ कब्र तेरी फतेह कहां, मैं अब नहीं मरूंगा मेरा दाम चुकाया गया है। Amen. मैंने जीवन में प्रवेश किया है मौत को पीछे छोड़ करके। भाई के लम्बा जो Amen. Hallelujah. ए मौत तेरा लंक कहां है कबर तेरी मैं अब नहीं मरूंगा मेरा
खबर तेरी फतेह का है, मौत तेरा जंग का है, खबर तेरी फतेह का, मृत्यु की इन वादियों से गुजरूंगा मैं सच Amen. आए मौत तेरा टक कहां, ए कबर तेरी फतेह कहां, मैं अब
नहीं मरूंगा। ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये दुल्हन यहां से रैप्चर में जा रही है। क्या आप रोज बेसब्री से इंतजार करते हैं हर उस पल का, हर उस मोमेंट का? खुदा अब दे बदलाव होने वाला है। क्या आप प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर से ये इच्छा है, लॉर्ड मैं संसार में रहना नहीं चाहता, मैं संसार से जाना चाहता हूं, मुझे ये अगला दिन जो सुबह निकल के आती है मैं चाहता हूं लॉर्ड मैं रैप्चर में आपके साथ चला जाऊं। कैसे भाई बता रहे थे, मैं चर्च इसलिए नहीं आता कि मैं चर्च आना चाहता हूं, लेकिन मैं चर्च इसलिए आता हूं कि मैं ऐसे जाना चाहता हूं। आमीन। आप अगर इस बात के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो रैप्चर का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। दुल्हन यहां से रैप्चर में जाने वाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। हमारे बीच में एक डेडिकेशन है, भाई संजय लाल जो कि भाई छोटे लाल के बेटे हैं, अपनी बेटी एस्तर का डेडिकेशन कराना चाहते हैं। मैं साथ ही अजीज पास्टर भाई को बुलाना चाहूंगा। भाई संजय लाल, धन्यवाद देते हैं भाई संजय लाल, उनकी पत्नी जिनको आपने एक बेटी दी जिसका नाम ये एस्तर रखना चाहते हैं। ये नाम आपके हुजूर कबूल हो खुदावन। वो खूबियाँ जो एस्तर में थी इस बच्चे में पाई जाएं और ये भी एक कैंडिडेट बने आपके साथ रैप्चर में जाने के लिए। जब माँ बाप इसे सौंपते हैं, मैं आपको सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए, Only believe all things are possible। और जबकि ये गीत चल रहा होगा मैं अपने अजीज भाई टाइटस को बुलाना चाहूंगा समक्ष में। Only believe, only my Lord, I believe your belief, my Jesus is here. Aziz bhai Titus, my Jesus is here, and all प्रभु जी कि आपकी हजूरी में प्रभु जी कलीसिया रूप से प्रभु जी एक बार और फिर हम इकट्ठा हो सके। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि मीटिंगें ऐसे ही नहीं होती रहेंगी प्रभु जी,
एक दिन प्रभु जी इनका अंत होना अवश्य है प्रभु जी, क्योंकि आप बहुत जल्दी आने वाले हैं प्रभु जी अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर के जाने के लिए। प्रभु जी हमारी आपसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है प्रभु जी, हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी। ओ खुदावा आपसे मिलने के लिए हम में से हर एक को आप तैयार करें प्रभु जी। ओ खुदा अपने वचनों को प्रभु जी के द्वारा हमसे बोलें प्रभु जी, हमसे बातचीत करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारे युग में एक प्रॉफिट को भेजा प्रभु जी। हमें कुछ नहीं आता प्रभु जी, कुछ नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी इस प्रॉफिट के वचन में प्रभु जी आपने सब कुछ सब भेदों को खोल करके रख दिया, क्योंकि आपका वचन यही बताता है सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा, कोई भी भेद भेद नहीं रहेगा प्रभु जी। वो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के मैसेजेस के लिए प्रभु जी, प्रॉफिट के टेप्स के लिए प्रभु जी। वो आपका बहुत धन्यवाद करते जिसे हम पढ़ सकते हैं प्रभु जी, जिसे हम सुन सकते हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारे बीच में एक सेवकाई रखी है प्रभु जी, जो हमें आपके पीछे पीछे लेकर के हमें चल रही है प्रभु जी, और हमें रैप्चर की तैयारी दे रही है प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। खास तौर से भाई के लिए प्रार्थना करते आगे जब लीडरशिप सेमिनार है प्रभु जी, भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी, भाई को अपने रेवलेशन से भरें प्रभु जी, और भाई को माइटली इस्तेमाल करें। ओ आपका पवित्र आत्मा बड़े बल से भाई के ऊपर उतरे प्रभु जी, और आप जो वचन चाहते हैं प्रभु जी पास्टर्स के लिए लीडर्स के लिए प्रभु जी इस सेमिनार में प्रभु जी, ओ भाई के जरिए से प्रभु जी आप लेकर के आए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, किस अद्भुत रीति से अपने वचनों को हमें खोल करके समझा रहे हैं प्रभु जी, किस अद्भुत रीति से प्रभु जी वो हमारे ओ खुदा फ्यूचर होम के बारे में हमें बता रहे हैं, जो हमारा ओ खुदा स्थाई घर रहेगा प्रभु जी, जहाँ हम हमेशा इटर्निटी बिताएंगे प्रभु जी, उसके विषय में आप हमें समझाते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप यहाँ पर उतर करके आए, क्योंकि आप यहाँ तो ऑलरेडी हैं प्रभु जी, वो अपने वचनों के द्वारा से हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ पहली आयत से। Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of man, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done so violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and was numbered with the transgressors.
and he bare the sin of many and made intercession for the transgression. प्रभु जी आपके नाम का लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए प्रभु जी ओ खुदावा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के द्वारा से हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी हमारे समझ तो कुछ नहीं है हमारी हम सब कुछ प्रभु जी जो भी हमारे प्रॉफिट ने कहा प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी वचन को लेकर के आते हैं प्रभु जी क्योंकि हमारा प्रॉफिट फाइनल है प्रभु जी उन्होंने जो कुछ भी कहा प्रभु जी वो सत्य है प्रभु जी और 100% सही है प्रभु जी वो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं सबको बड़ी बरकत दें सबको बड़ी आशीष दें और जो कोई नेट पे भी सुनता होगा प्रभु जी उन्हें भी बड़ी बरकत दें बड़ी आशीष दें आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रभु जी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ सुने और ग्रहण करें आमीन मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं इसको हिंदी में पढ़ दो भैया फिर आगे बढ़ते हैं कि सब जान एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए यशा 53 अध्याय जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ क्योंकि वो उसके समान उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था वो दुखी पुरुष था रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे खुदा का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए yes, Lord. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा वो बहुत दिन जीवित रहेगा उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा उसने अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है आमेन आमेन प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यशायाह 53 के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जानते हैं अभी अप्रैल का महीना चल रहा है अभी गुड फ्राइडे ईस्टर हम लोग 3 दिन की मीटिंग हुई हमने देखा कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को लेकर के वो कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ गया हमें जाना था हमें मरना था हमें हमारे अपराधों की सजा मिलनी थी लेकिन उसने हमारे सारे सारे पापों को अधर्मों को लेकर के क्रूस के ऊपर चढ़ गया और उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसने तो उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी और तीसरे दिन कैसे वो जी उठे हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हा? वो मारे गए हमारे लिए कुछ ले गए कैसी दयानीय दशा उनकी थी उन्हें लोग मार रहे हैं कूट रहे हैं थप्पड़ मार रहे हैं हा?
और इमेजिन करिए कैसे मसीह यीशु का खून बहरा होगा उस समय, कैसे कांटों का ताज उनके ऊपर रखा गया, कैसे उस सलीब को लेकर के पहाड़ी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए, सारा मेरे और आपके लिए हुआ, ये सारा प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ कि हमारे सारे अधर्मों को लेकर के हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते इस महान बलिदान के लिए, इस महान सेक्रीफाइस के लिए। प्रभु को यही भाया, खुदा को यही भाया कि मैं और आप का उद्धार हो जाए। प्रभु को यही भाया कि जो मौत आदम ने पाप किया था, आदम के पाप करने के द्वारा मौत इस पृथ्वी के ऊपर आ गई थी, लेकिन खुदा ने एक दूसरे आदम को भेजा जिसके द्वारा उन्होंने मौत को जीवन में हमारे लिए बदल दिया और हम मौत से निकल करके हम जीवन में प्रवेश कर चुके। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वचन बताता जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम दंड से निकल करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, सारे अधर्म हमारे खत्म हो गए। भाई बहन हम बताते जैसे हम जस्टिफाई हो गए, जैसे हमने कुछ गुनाह करा ही नहीं था कभी। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस टेक्स्ट को लेकर के भाई बहन हमने मैसेज प्रचार किया, आप लोगों को जो मैसेज पढ़ते हैं ये मैसेज सबों ने पढ़ा ही होगा, द आइडेंटिफाइड मास्टरपीस ऑफ गॉड, सर्वोच्चम रचना जो पहचानी गई, हमारा खुदा सर्वोत्तम रचना जो हम सब जानते हैं। समय निकलता चला जा रहा है, समय भागता चला जा रहा है, हम बिल्कुल अंत के ऊपर अब खड़े हुए हैं मेरे भाइयों बहनों। अब समय बिल्कुल है ही नहीं। मैं ऐसी गूगल में ऐसी देख रहा था, न्यूज़ आती है, न्यूज़ देख रहा था तो हमें बोलना चाहिए कि बाहर वाले भी कैसे कैसे चीज़ों को मिला के कह रहे हैं कि अब समय ख़त्म हो गया। किसी ने पानी पूरी बनाने वाला दुकान वाला पानी पूरी बेचता है, अब पानी पूरी में उन्होंने क्या किया, आम का पल्प मिला दिया और उसको डाल के लोगों को खिलाने लगे। लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए, वहाँ पे निकला कि एक ने कमेंट दिया अब अंत आ गया है। देखिए मिलावट हो रही है, पानी पूरी से लेकर के किसी ने आम पानी पूरी में मिला दिया और वो बेच रहा है बना बना के, एक खाने वाला कह रहा है अब अंत आ गया है। हर तरह से लोगों के अंदर यही आया है, चाहे वो ईसाई हो चाहे कोई भी हो, दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं अब नई नई चीज़ें चल रही है इस संसार के अंदर, खाने से लेके पीने से लेके मोटर कार से लेके सब कुछ को लेकर के ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं अंत आ गया है, अब समय ख़त्म हो गया है, अंत आ चुका है और अब हमें कैसे होना चाहिए। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खुदा हमें लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं। भाई बहन हम इस मैसेज के अंदर बताते हैं, थोड़ा हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले खुदा ने कहा था आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, और उन्होंने पहले आदम को बनाया था। इससे पहले हम वहाँ पे जाएं, हम पहले थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर हम भाई बहन हम जो कह रहे हैं उसको लेकर के जाएँ। भाई बहन हम कह रहे हैं हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं किसी को उसके लिए मरना होता है। यदि कोई ना मरे तो हमें जीवन नहीं मिल सकता। हर चीज़ जो हम खाते हैं, चाहे वेजिटेबल खाते हैं आप, चाहे मटन चिकन या जो भी आप खाते हैं, किसी को जान देनी पड़ती है उसके लिए, और हमें जीवन देने के लिए किसी को मरना पड़ता है। हमें ये जीवन देने के लिए किसी ने मौत सही, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं मरते तो हमें जीवन नहीं मिलता। ये शारीरिक पे जैसे टाइप करता है वैसे आत्मिक रीति से भी यही टाइप करता है। और भाई बहन हम कह रहे हैं आई वॉज टॉकिंग टू मैन दैट वॉज ए वेजिटेरियन नॉट लॉन्ग अगो एंड ही टोल्ड मी आई डोंट एग्री विथ यू। भाई बहन हम को वो कहने लगे मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ। भाई बहन हम क्या हो गया भाई, क्या क्या बात है, इसलिए मैं आपसे प्राइवेटली मिलना चाहता हूँ। भाई बहनम उन्होंने कहा ठीक है भाई, आई ऑलवेज रिगार्ड यू एज ए होली मैन, मैं आपको एक पवित्र आदमी समझता हूँ हमेशा। ही सेड बट व्हेन आई हर्ड यू से यू हैड हैम एंड एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट, जब आप कहते हैं मैंने आज हैम खाया, बिजनेसमैन की मीटिंग है आज हमने बहुत अच्छा स्टीक खाया, जब आप कहते हैं हमने हैम खाया बेकन खाया तो वो ब्रेकफास्ट दैट डाउन मी,
मैं सोचने लगा क्या बात, आई वोंट पुट दैट स्टम्बलिंग ब्लॉक टू हिज वे नाउ, दैट इज अ वे ऑफ बिलीविंग, बट आई सेड वेल सर इफ आई डोंट ईट आई डोंट लिव, यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता। यदि हम आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे, जैसे शारीरिक में है वैसे ही आत्मिक में भी है, यदि आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, शारीरिक भोजन नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते, वैसे आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे तो हम आत्मा में मर जाएंगे। तो भाई बहनम कह रहे हैं भाई देखो ऐसे सर सोली वी लिव बाय डेड सब्सटेंस, आई डोंट केयर व्हाट यू ईट, वेदर यू ईट वेजिटेबल, यू ईट ब्रेड द व्हीट डाइट, इफ यू ईट कॉर्न द कॉर्न डाइट, इफ यू ईट बीन्स द बीन डाइट, वेजिटेबल भी आप खाते हो वेजिटेबल भी तो मरी है, तभी तो खाते हो, वॉट एवर यू ईट यू कैन ओनली लिव फिजिकली बिकॉज समथिंग डाइट दैट यू कुड लिव, आप फिजिकली लिव जी इसीलिए सकते हैं क्योंकि कोई आपके लिए मरा, कुछ चीज़ आपके लिए मरी ना, वॉट एवर यू डू इवन डोंट ड्रिंक मिल्क बैक्टीरिया वॉट एवर यू लिव वो आपके लिए मरता है तभी हम उसे खा सकते हैं, इट ओनली गोज टू प्रूव इफ यू हैव टू लिव दिस नेचुरल लाइफ कैन ओनली डू इट बाय डेड सब्सटेंस समथिंग हैड टू डाई सो वी कुड लिव इटर्नली दैट जीसस क्राइस्ट दैट गॉड गेव फॉर अस एज ए रैंसम। जैसे फिजिकली खाने के द्वारा हम जीवित रहते हैं, प्रभु खुदा ने मसीह यीशु को हमारे लिए एक रैंसम के रूप में, हमारे लिए खुदा ने यीशु मसीह को मारा जिससे मुझे और आपको अनंत जीवन मिले। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे, वो मारे गए हमारे लिए गाड़े गए और आज हम उनका मांस खाते हैं, आज हम उनका लहू पीते हैं, ये वचन हमारे प्रभु का बदन है जिसे हम खाते हैं। और नाउ व्हेन आई फर्स्ट मेट भाई बहनम ना बता रहे हैं कैसे उन्होंने इस मैसेज का शीर्षक ढूंढा, कैसे ये शीर्षक उनके पास आया वो बता रहे हैं। वहाँ पे एक लेडी थी जिसका नाम था सैंपल मैकफर्सन, बहुत लेडी थी वो खुदा के लिए बहुत काम करती थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। भाई बहनम कह रहे हैं मैंने इस लेडी से कभी मुलाकात नहीं करी थी लेकिन उनके भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। और so in respect of this woman that set forth an example as she did of trying her best and to present what was in her heart, I paid a tribute to her to go to her grave up at Forest Lawn। मैं उनको respect देने के लिए क्योंकि इन्होंने प्रभु की बहुत सेवा करी थी इस lady ने, मैं Forest Lawn में गया, जंगल में lawn में गया, as I stood there with my hat off and bowed my head and gave thanks to God। भाई ब्रैनम कह रहे हैं मैं वहाँ उनकी ग्रेव के सामने मैंने अपनी हैट उतारी और खुदा को इस जीवन के लिए मैं धन्यवाद देने लगा, मैंने धन्यवाद दिया। तब उसके बाद लोगों ने भाई ब्रैनम से पूछा क्या आप इस ग्रेवयार्ड में और घूमना चाहोगे, क्या और भी चीज़ें यहाँ पर देखना चाहोगे। भाई ब्रैनम का ठीक है और वो उनको घुमाने के लिए वहाँ पर ले गए। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग दैट आई सॉ देयर, भाई बहनम जब देख रहे थे चीज़ों को, उन्होंने एक तो लास्ट सफ़र की भी पिक्चर देखी और जैसे लॉर्ड सफ़र की पिक्चर देखी, मैनी ऑफ यू हैव नोटिस इट व्हेन दे पुट द लाइट्स ऑन इन द लास्ट सफ़र एंड द स्टोरी ऑफ इट जैसे लगी हुई है, वो भी देखा भाई बहनम ने। लेकिन एक बहुत मोस्ट आउटस्टैंडिंग चीज़ जो भाई बहनम को दिखी उसके बारे में बता रहे हैं वो क्या है, आई सॉ देयर वॉज एन एंटर द डोर आई बिलीव इट वुड बी ऑन द ईस्ट साइड, जब अंदर जाते हैं वहाँ पर तो ईस्ट के डायरेक्शन में भाई बहनम कह रहे हैं देयर वॉज स्टैचू ऑफ मोसेस, मूसा की वहाँ पर एक मूर्ति खड़ी हुई थी, दैट वॉज द लाइफ कैप वर्क ऑफ माइकल एंजलो, माइकल एंजलो ने अपने जीवन में ये शिल्पकला करी थी और मूसा की वो मूर्ति बनाई थी जो गार्डन में वो ग्रेवयार्ड के गार्डन में रखी हुई थी। भाई बहनम वहाँ देखते हैं आई बिलीव इट वॉज सकल्प्टर वॉज माइकल एंजलो द ग्रेट सकल्प्टर दैट मोल्डेड आउट दिस और इमेज ऑफ मोजेस एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग इट द गाइड दैट वॉज टेकिंग अस थ्रू द सेट दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर पीसेज दैट माइकल एंजलो एवर फॉर्म, और जो गाइड बता रहा था कह रहा था ये सबसे महान कार्य है, हस्त कार्य है माइकल एंजलो का ये मूर्ति जो उसने मूसा की बनाई, एंड इट सेट टू और उसका पूरा जीवन काल इस मूर्ति को बनाने में लग गया। देन आई नोटिस आई बिलीव इट वॉज ऑन द राइट नी दैट स्टैचू लुक परफेक्ट स्मूथ एंड मोजेस विद द टेबल, भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि मैंने देखा स्टैचू बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, बहुत बढ़िया थी, मूसा के हाथों में दो पट्टियाँ थी व्यवस्था की
it was coarse, the table of the laws in his hand and his long beard, and it was coarse, the mental conception of Michelangelo. और ये शायद mind में जो Michelangelo का था उसके अनुसार उसने मूसा की फोटो बनाई थी. भाई बहनम कह रहे हैं इन्होंने मूसा को देखा तो नहीं था, लेकिन जो कुछ इमेजिनेशन किया था या फोटोज देखी होगी उसके अनुसार उन्होंने माइकलएंजेलो ने मूसा की मूर्ति बनाई थी. परेश हैड नेवर सीन अ पिक्चर, बट इन हिज ओन माइंड ही ड्रॉड आउट व्हाट ही थॉट दैट मोसेस शुड लाइक. एंड द स्टोरी गोज, और वो बता रहा था गाइड उनको कि जब ये एंड द स्टैचू फिनिश ऑल रब्ड एंड परफेक्टली स्टूड बैक टू व्यू हिज वर्क. और जब बता रहा था गाइड कि भाई जब माइकलएंजेलो ने स्टैचू को बना लिया और खड़ा कर दिया, पॉलिश कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो जब वो माइकलएंजेलो स्टैचू को देखने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ, when he did his mind he had made with his hand, he looked so much like it, and all the years he had been waiting on it till he was so carried away by inspiration he smote it upon the knee and cried out, speak. Hallelujah. Michelangelo itna inspired ho gaya, itna real Musa ki picture dikh rahi thi, uska handiwork jo usne dimag ke andar banaya tha, Michelangelo ne wo dekh karke itna khush hua, ha, इसका इंस्पिरेशन में आ गया, उसके मुंह से निकला स्पीक, बोल ये मूर्ति तो बोल. लेकिन वो मूर्ति कैसे बोलती हुँ? और तब माइकलएंजेलो ने एक हथौड़ा उठाया एंड सो ही कैरीड अवे बाय स्पोक्स, एंड देयर इज अ ब्रोकन प्लेस ऑन द लेग नी ऑफ द मोसेस वेयर माइकलएंजेलो स्ट्रक विथ हिज हैमर फॉर ही वाज सो इंस्पायर्ड. जब मूर्ति के से कोई आवाज़ नहीं निकली तो माइकलएंजेलो ने उनके लेफ्ट नी के ऊपर एक हथौड़ा मारा और उसमें से एक चिप निकल करके लेग्स में से निकल करके चला गया. सी देयर वॉज समथिंग इन साइड ऑफ हिम एट द बिगनिंग दैट ही ड्रू ए मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट ही थॉट मोसेस ऑट टू लुक लाइक. कुछ अंदर था, वो सोचता था कि मूसा ऐसा दिखेगा वगैरह वगैरह. और जब उन्होंने बोला स्पीक, मूर्ति ने नहीं बोला, हाँ, तो उन्होंने हथौड़ा मारा और वो चिप निकल करके आ गया. नाउ वी सी दैट आई गॉट इंस्पायर्ड बाय इट. और जब मैंने इस मूर्ति को देखा मोसेस की, भाई बहनम कह रहे मेरे को प्रेरणा मिली. आई गॉट इंस्पायर्ड बाय इट कॉज आई थॉट दैट रियली द मार्क ऑन द लेग वॉट मेड इट टू मी द मास्टर पीस. एक वो जो मारा गया, जो कूटा गया मूसा को, जो उन्होंने मारा हथौड़े से और जो चिप निकल करके आया, ये मुझे लगा कि ये मास्टरपीस है, ये है रचना, ये है रचना की बात, मास्टरपीस की बात. बिकॉज जस्ट एट जस्ट बीन अनदर पोर्ट्रेट ऑफ समथिंग ऑफ मोसेस, सम काइंड ऑफ फिगर दैट सम मैन हैड अ कंसेप्शन, बट द मैन दैट वाज डूइंग द वर्क इज सो सेटिस्फाइड हिम अंटिल ही स्टक इट. इतना सेटिस्फाइड हो गया वो माइकलएंजेलो कि उसने उसको हथौड़ा मारा कि बोलती क्यों नहीं है मूर्ति, बोलती क्यों नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट थी. ओ आई स्टूड देयर, आई हैड टू वॉक अवे फॉर अ फ्यू मिनट्स टू थिंक ऑफ व्हाट दैट मस्ट हैव बीन मेंट टू हिम एंड व्हाट इट मेंट टू मी एट दैट टाइम. और वो सोच लगे, भाई बहन हम सोच रहे होंगे, मुझे लगता है उनका ध्यान चला गया होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कैसे खुदा ने वो परफेक्ट रचना जो थी, वो परफेक्ट मास्टरपीस था. मैं सोच रहा हूँ आगे चल के बोलेंगे, लेकिन एट दिस स्टेज के ऊपर भाई बहन हम कह रहे हैं वहाँ खड़े होकर मैं सोचने लगा. और वो क्या सोचेंगे, वो यही सोचेंगे वही हालत हमारे प्रभु यीशु मसीह की हुई. एक मास्टरपीस था खुदा ने, जो मास्टरपीस बनाया था वो भी कैलवरी क्रूस के ऊपर, उसको भी मारा गया, उसको भी मारा गया, और उसको मारा जाना एक मास्टरपीस कहलाता है. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हम भाई बहन हम कह रहे हैं लेट अस नाउ टर्न आवर थॉट्स फ्रॉम माइकलएंजेलो टू द ग्रेट स्कल्प्टर गॉड ऑलमाइटी, हाँ, हमारे खुदा के ओर कहते हैं भाई बहन हम, अब हम मुड़ें. हमारा खुदा एक माइटी शिल्पकार है, खुदा भी एक शिल्पकार है. और पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि करी. हम वहाँ जा रहे हैं आखिरी में, पहला अध्याय 26 आयत में देखें. फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं. अब नाओ खुदा एक शिल्पकार अब अपने कह रहा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं. अब ये शिल्पकार है, ये भी एक मूर्ति खुदा बनाना चाह रहा है.
खुदा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे. हु इन द बिगनिंग बिफोर देयर वॉज डे और डाउन और डे और बिफोर देयर वॉज आइटम और मॉलिक्यूल गॉड इन हिज माइंड हैड मैन. खुदा इससे पहले सृष्टि 5 दिन की रचना करे. 5 दिन हम सब जानते हैं पृथ्वी को वापस लाया, समुद्र पहाड़ वगैरह सारे जानवर वानवर सब कुछ बन गए. इन 5 दिनों में खुदा पृथ्वी को फिर से बहाल कर रहा था. क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक था कुछ कि मैं एक इंसान को बनाऊंगा. खुदा के माइंड में एक पिक्चर थी कि मैं एक पिक्चर को बनाऊंगा, एक इंसान को मैं लेकर के आऊंगा और उनके लिए, उस इंसान के लिए खुदा इस पृथ्वी को बहाल कर रहे थे. He wanted that man to be part of him. So he made man in his own image and the likeness of God created he man. Oh, when God in the beginning made this masterpiece something that reflected his thoughts. जब खुदा ने आदम को बनाया, ये खुदा के विचार थे. खुदा ने अपने विचारों के अनुसार आदम को बनाया. और हम देखते हैं जब पहले दिन की रचना को हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, खुदा ने पहले दिन की जब रचना की, लेट देयर बी लाइट कहके 4th आयत में क्या लिखा है? 4th आयत पर पहले अध्याय की 4th आयत, और खुदा ने उजाले को देखा कि अच्छा है. हाँ, खुदा ने उजाले को देखा और कहा दैट इट वॉज गुड. सेकेंड डे का जब क्रिएशन हुआ, खुदा ने फिर से कहा इट वॉज गुड. थर्ड डे का हुआ, अब मैं पढ़वाने अच्छा पढ़ लो. थर्ड डे का भी हुआ, 10th आयत पढ़ो भैया. खुदा ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और खुदा ने देखा कि अच्छा है. हाँ, खुदा ने एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड. खुदा ने देखा अच्छा है. चौथे दिन को खुदा ने देखा कि अच्छा है. हम अवॉइड कर रहे हैं पांचवे, चौथे दिन का 18th आयत के अंदर है, इट वाज गुड लिखा हुआ. खुदा ने देखा और कहा अच्छा है. पाँचवें दिन खुदा ने एनिमल लाइफ वगैरह बनाई और देखा कि अच्छा है. लेकिन 6th दिन जब खुदा ने कहा, 26th आयत में फिर से आ जाए भैया, फिर खुदा ने 26 फिर खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. हाँ, जब यहाँ पर उन्होंने, खुदा ने मनुष्य की सृष्टि करी, नर और नारी करके बनाया, हम सब जानते हैं स्पिरिचुअल मैन बनाया. आखिरी में आके खुदा क्या कह रहे हैं, इसकी आखिरी आयत में 31 आयत पढ़ो. तब खुदा ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है. जब मैन का क्रिएशन करा और तब खुदा ने पहले सब कुछ का अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. लेकिन 6th दिन जब वो मैन का क्रिएशन करता है, क्योंकि वो कहता बहुत अच्छा है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया था और उसने कहा बहुत अच्छा है. गॉड सेड मेड बिहोल्ड इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा है. तो मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया था और खुदा ने कहा ये बहुत अच्छा है. शिल्पकार ने अपनी समानता में आदम को बनाया और कहा बहुत अच्छा है. हम सब जानते हैं आगे चल करके कैसे खुदा ने आदम को मिट्टी का पुतला लिया वगैरह वगैरह, सांस फूंक दिया और आदम को जीवित प्राणी बन गया. उसके बाद उसकी पसली निकाली और उसमें भी सांस फूंक दिया और हवा बन गई, नारी बन गई, उनके पास लेकर के आया और उन्हें गार्डन ऑफ एडन में वहाँ पर लगा दिया. नौ भाई बहन हम कह रहे हैं, नाउ लेट अस टर्न आवर थॉट्स फ्रॉम माइकल एंजेलो टू द ग्रेट स्कल्प्टर God Almighty, who in the beginning, before there was a day or dawn of the day, before an atom or molecule, God in his mind had man, what a man should look like. उसके दिमाग में, खुदा के दिमाग में था कि मनुष्य कैसा लगेगा. जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, कहा बहुत अच्छा है. मनुष्य बहुत अच्छा था, खुदा ने बहुत अच्छा बनाया था. बाद में चलकर शैतान आया, शैतान ने गिरा दिया. खुदा की कियानत को शैतान ने बिगाड़ना चाहा और उसने उसे गिरा दिया. He wanted the man to be part of him, so he made man in his own image and the likeness of God created he man. Oh, when God in the beginning made this masterpiece, something that reflected his thoughts. Hallelujah. खुदा के thoughts
रिफ्लेक्ट हो रहे थे, खुदा ने अपने थॉट्स के अनुसार, अपने जो विचार थे उनके अनुसार उसने आदम और हव्वा को बनाया था। रिमेंबर देयर ओनली वन फॉर्म ऑफ इटर्नल लाइफ एंड इवन आवर नेम्स आर थॉट्स वेयर विद गॉड बिफोर देयर वाज अ फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे नाम भी खुदा ने अपने दिमाग में बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड रखे हैं। खुदा हमें एक एक को जो यहाँ बैठे हैं एक एक को जानता है, बिना आलम से पेशतर, बिना आलम से पेशतर एक एक नाम को वो जानता है। वी पुट इट एंड डू बी दैट वी हैव टू बी पार्ट ऑफ गॉड, सो वी हैव टू बी एज मच एज इन हिज थॉट बिकॉज वी हैव इटर्नल लाइफ एंड प्रीडेस्टिनेड टू दिस एंड आवर नेम्स आर पुट ऑन द लैम बुक ऑफ लाइफ। हमारे नामों को उन्होंने लैम बुक ऑफ लाइफ में रखा। इस पर से वही एक बार और पहले मैंने इस बात को कहा, थॉट आता है यदि हमारे नाम लैम बुक ऑफ लाइफ में, खुदा यदि हमारे नाम को जानते हैं तो उल्टे सीधे नामों को नहीं जानेंगे। तो जिनके उल्टे सीधे नाम है उन्हें चेंज करना चाहिए, खुदा को पसंद आने वाले नाम रखना चाहिए, जिन्हें खुदा जाने, खुदा पहचाने, खुदा अपने मुंह से उन नामों को बोले कि सो एन सो, सो एन सो, सो एन सो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। यदि गलत नाम रहेगा तो खुदा अपने मुंह से उस नाम को लेगा ही नहीं, कह देगा भाई मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से मैच नहीं खाता, तुम्हारा नाम मेरे माइंड में है ही नहीं। इसलिए बहुत अवश्य होता है अपने सही नाम रखे हैं। कई लोग रख लेते हैं और चेंज, जो गलत नाम है जब निकल करके वहाँ से आते हैं, खुदा की प्लान है ये, जब आ जाते हैं तो नाम को भी फिर चेंज करना चाहिए जिससे खुदा हमारे नाम का उच्चारण करे, हमारे नाम को बोले, खुदा के मुंह के ऊपर हमारा नाम आए, ऐसा नाम होना चाहिए। अब बिना आलम से पेशतर खुदा ने हमारे नामों को लैंड बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। नाउ एंड व्हेन ही मेड एडम द फर्स्ट मैन, हाउ परफेक्ट इट वॉज, ही लुक लाइक गॉड। आदम खुदा के समान दिखता था। मेरे भाइयों बहनों, हम खुदा के समान दिखते हैं, मैं अभी भी वही कहूँगा, आदम दिखता था, आज हम दूसरे आदम के द्वारा बनाए गए हैं और हम आज सब खुदा की छवि में हैं, धीरे धीरे करके बदलते चले जाते हैं। वचन हमें बताता है, प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। ही लुक लाइक गॉड, द ग्रेट होली स्पिरिट ब्रूडिंग ओवर द अर्थ, बर्ड्स केम आउट, एनिमल्स केम आउट, सब कुछ आए, वगैरह वगैरह वगैरह। One that was doing the brooding, God, God, man was made in the image of God. Then, when He placed him in this great garden, उसे एक garden में, जैसे माइकल एंजलो ने रख दिया आदम को, मूसा को, उसी रीति से खुदा ने आदम हवा को एक garden में रख दिया। And all great sculptor, God placed His handwork in the garden of Eden, made him a helpmate. What a complete satisfaction it was to God. Till even he rested, it was just at rest, his work had been finished. खुदा को कितना आनंद आया होगा, फिजिकल रूप में जब माइकल एंजेलो को इतने अच्छा लगा कि वो अपनी उसको क्या कहते अरमानों को, जो उसके सेटिस्फैक्शन उसके माइंड में आया होगा, वो खुशी इतनी हुई होगी कि मेरे माइंड में जो था आज मैं सामने देख रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए वचन के अंदर बताया जाता है, एक पापी के रिपेंटेंस करने से स्वर्ग में कितना आनंद होता है। खुदा के माइंड में था कि ये इसका उद्धार हो जाए। जब यहाँ पर जो कोई भी रिपेंटेंस करते हैं, खुदा के राज में आते हैं, खुदा के राज में कितना आनंद आता होगा। खुदा सोचता होगा, कहता होगा, ये मेरे माइंड में थे, ये मेरे माइंड में थे और आज आ गए हैं, और खुदा बहुत खुश होता होगा। खुदा बहुत आनंद मनाया जाता है स्वर्ग के अंदर जब एक पापी रिपेंट करता है और मसीह यीशु को ग्रहण करता है। जैसे खुदा ने आदम हव्वा को बनाया और गार्डन ऑफ ईडन में रखा, खुदा को बहुत आनंद आया होगा। इसीलिए खुदा रोज बाइबिल बताती है उनसे मिलने आता था। खुदा रह नहीं सकता था अपनी रचना से, खुदा रोज मिलने आता था, रोज शाम को खुदा आता था और अपनी रचना से मिलता था आकर, क्योंकि उसके हाथ की कला थी, अपने हाथों के द्वारा उसने उन्हें बनाया था। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बट देन सैड स्टोरी कम ऑफ द एनिमी, लेकिन एक कहानी बहुत सैड, एनिमी ने बीच में वहाँ पर गड़बड़ करी। आई वॉन्ट टू बेयर इन माइंड दैट गॉड गेव दिस मैन ए प्रोटेक्शन, ही गेव हिम द वर्ड, कि यहाँ देखो सारे फलों को खा सकते हो लेकिन इस
वृक्ष के फल को मत खाना। एक कंडीशनल प्रोटेक्शन दिया था खुदा ने, प्रोटेक्शन दिया था खुदा ने वर्ड का कि देखो तुम सारे फलों को तो तुम खा सकते हो, लेकिन सेंटर में जो फल उसको नहीं खाना। एंड दैट्स द सेम बेसिस वी आर सेट ऑन टुडे, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू। उसी रीति से आज भी खुदा ने हमें रखा है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये खुदा ने आज भी हमें उसी रीति से रखा जैसे आदम और हव्वा को कंडीशनल उसमें रखा हुआ था, बांध करके कंडीशन में। हमें भी आज रखा है, आज ये कर सकते हम, वो कर सकते, अपना जीवन अपने इच्छा के अनुसार हम नहीं चला सकते। हमें चलना है वचन के अनुसार, हमें चलना है मैसेज के अनुसार। जो मैसेज कहता है हम हमें वही करना है, जो वचन कहता है हमें वही करना है, अदरवाइज शैतान आ जाएगा। शैतान को जरा सा गेट मिल जाए, शैतान को एक छोटा सा झरोका मिल जाए जहाँ से वो घुस चुके और वो घुस जाएगा फट से। वैसे ही तो हुआ, थोड़ी सी गलती हुई हवा से और शैतान घुस गया और हम सब जानते हैं आदम हवा गिर गए। और आज भी वही है, यदि हम प्रोटेक्शन में रहते हैं, वचन के प्रोटेक्शन में रहते हैं, शैतान को जरा सा भी छेद नहीं मिलता एंटर करने का, वो नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ हमने वचन के विरोध में कुछ भी किया, मैसेज के विरोध में जहाँ हमने कुछ भी किया, शैतान को मौका मिल जाता है और शैतान घुस करके आ जाता है और फिर गिरावट चालू हो जाती है। To think that the man that was made in the image of his creator, that was given a wall to stand behind, that word would never fail. That's the Christian hope. It's his shield, it's his armor, it's his rock today. Amen. Stay behind the word, every believer. ये हमारी चट्टान है, खुदा ने जो दिया है वचन, जिसके पीछे every believer आज खड़ा होकर छुप सकता है। Now you must never get from behind that. भाई बहन हम कह रहे हैं इसके पीछे से निकल करके मत आ जाना। व्हेन यू डू यू आर ओपनिंग द डोर टू द एनमी, आप अपना दरवाजा खोल रहे हैं। ही हैज़ अ पर्पज इन योर लाइफ ईच इंडिविजुअल दैट नो वन एल्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कैन टेक योर प्लेस। हर एक इंडिविजुअल को खुदा ने एक पर्पज के लिए रखा है जिसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। एक भाई को खुदा ने कोई सेवकाई दी है, उस सेवकाई को कोई और दूसरा भाई नहीं ले सकता। एक बहन को खुदा ने किस पर्पस के लिए रखा है, दूसरी बहन वो पर्पस उनकी बहन का पर्पस नहीं ले सकती। हर एक को खुदा ने डेफिनेट पर्पस दिया है और उसी पर्पस के अनुसार हमें रहना चाहिए। किसी के आंगन में नहीं आ जाना चाहिए किसी गलत, अरे ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। अरे भाई आपको खुदा ने उस काम के लिए नहीं रखा है, आपको खुदा ने किसी और चीज़ के लिए रखा है, आप वो करिए। अब वो कहे भैया मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, खुदा ने कहा मैंने एक पर्पस के लिए रखा है। इसीलिए खुदा ने 5-4 मिनिस्ट्री दी है, जहाँ पर जिसको खुदा ने रखा है उसे वहीं रखना है, रहना है। खुदा ने जिस सेवकाई के लिए किसी को रखा है उसे वहीं रहना है, उससे बाहर नहीं होना, कहीं और आँखें नहीं लगाना कि अरे भाई वो भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ मैं, हाँ ये सब नहीं करना है। गॉड हैज़ गॉट समथिंग फॉर यू, यू आर मेड लाइक दैट, यू वर डिड दैट वे फॉर अ पर्पज। गॉड इज सोवरेन इन हिज वर्क। हम खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते, प्रभु आपने मुझे ये क्यों नहीं सेवकाई दी, अरे ये तो खुदा के हाथ में है। सेवकाइयाँ कोई किसी को दे नहीं सकता, हाँ हाथ रख के प्रार्थना जरूर करी जा सकती है, लेकिन सेवकाई खुदा देता है, हर एक सेवकाई खुदा देता है। और कोई कह नहीं सकता खुदा को आपने मुझे ये सेवकाई क्यों ना दी। खुदा ने हर एक के लिए पर्पस रखा है, हमारे लिए हर एक के जीवन में पर्पस रखा है, वो पर्पस हमें करना है। अब करणपाल भाई प्रिंटिंग का काम करते हैं, कोई और भाई खड़े हो जाए मैं भी करूँगा, ये गलत, बिल्कुल गलत। एक भाई सेवकाई में जिस काम के लिए लगा है कोई और उस काम को नहीं ले सकता। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हाँ प्रभु भाई भाई बहन हमें बताते हैं किसी के लिए, किसी के बीच में, किसी की सेवकाई के बीच में आड़े नहीं आना। अब एक भाई कहीं जा रहा है प्रचार कर रहा है, दूसरा भाई का मैं भी जाता हूँ, क्यों भाई, एक भाई जा रहा है उसे जाने दीजिए, दूसरे की सेवकाई में अपनी टांग नहीं अड़ाना है। इससे ये सबक हमें मिलता है, खुदा ने हर एक को रखा है। जैसे मिट्टी कुम्हार को नहीं कह सकती भाई तुमने मुझे आदर के लिए क्यों नहीं बनाया, अनादर के लिए क्यों बनाया, ये कुम्हार के हाथ में है, ये खुदा के हाथ में है। आपको क्या सेवकाई देता है क्या नहीं देता है ये खुदा के हाथ में है। तो ही मेक्स मैन डिफरेंट, गिव अस ईच वन अ डिफरेंट प्लेस एंड पाम ट्री कैन नेवर बी हिकोरी। अब
जैसे भाई बहनम कह रहे पाम ट्री हिक्कोरी ट्री नहीं बन सकता है, ये पाम ट्री जो है वो हिक्कोरी भी एक की बहुत हार्डवुड की ट्री होती है, वो नहीं बन सकता, जो खुदा ने बनाया बनाया और वो दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। भाई बहनम फिर से यहाँ कह रहे हैं नोबडी कैन टेक योर प्लेस, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं नोबडी कैन टेक योर प्लेस एंड यू शुडंट ट्राई टू टेक एनीबडी एल्सस प्लेस, कोई आपका प्लेस नहीं ले सकता और आप भी किसी का प्लेस लेने की कोशिश ना करें, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल टू गॉड एंड गॉड हैज़ ए पर्पस फॉर यू, आप खुदा के लिए इंडिविजुअल हैं और गॉड को आपके लिए पर्पस है, ही मेड यू दिस, यू से व्हाई डिड ही डू इट, ही इज सोवरेन, ही इज गॉट ए रीजन फॉर इट बीइंग दैट वे। हर एक चीज़ कयानत में भी देखें सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट बना है, ये वीनस स्टार अलग है और दूसरे दूसरे स्टार अलग है, सन अलग है, मून अलग है, हर चीज़ को खुदा ने अलग अलग बनाया। मून कह दे भाई मैं सन बन जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर हर एक को जिस स्थान में खुदा ने रखा है हमें उसी स्थान के अंदर रहना है। अब जब आदम हव्वा को खुदा ने गार्डन ईदन में रखा वहाँ पर शैतान आ गया, भाई बहनम कह रहे बट व्हेन वी फाइंड आउट द एनिमी गॉड थ्रू द दैट वर्ड टू दिस द हैंडी वर्क ऑफ गॉड ही मार्ड इट, उन्होंने खुदा की क्रिएशन को गिरा दिया शैतान ने, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग नाउ। आज भी शैतान कोशिश कर रहा है कि खुदा की हैंडी वर्क को खुदा के लोगों में गड़बड़ डाले और किसी न किसी को किसी न तरीके से गिराए, शैतान आज भी कर रहा है, ही इज स्लिपिंग थ्रू दैट हैंडी वर्क, द एनिमी इज ट्राइंग टू मेक अस ए, भाई बहनम कह रहे हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी रीति से डिनोमिनेट हो जाएं, किसी रीति से संस्थाएं बन जाएं और सारे के सारे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के अंदर आ जाएं कि जो प्रचार जो हो रहा है वो बंद हो जाए, मैसेज का प्रचार जो हो रहा है वो बंद हो जाए, शैतान कोशिश कर रहा है। वी गॉट वन, वी मस्ट कीप इन हारमोनी विद दैट्स गॉड, हमें खुदा के साथ अपनी हारमोनी बना के रखना चाहिए। एंड इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज इज गॉड, क्योंकि आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था, एंड द वर्ड वॉज एंड द वर्ड रिमेन्स गॉड एंड ऑलवेज विल बी गॉड, वचन हमेशा खुदा है और हमेशा खुदा रहेगा, बिकॉज गॉड इज इन द वर्ड एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग, और ये वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में रहा, और खुदा की महिमा हमने देखी। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खुदा का प्यार मनुष्य जाति के लिए, एक महान प्यार, खुदा ने अपना बेटा एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए भेजा, फिर देखिए खुदा ने कैसे उस प्यार को जो आदम हव्वा गिर गए थे कैसे उन्हें वापस लाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया, और इसीलिए गाने वाला लिखता है कि यदि सारा समुद्र इंग बन जाए, वो भाई बहन वही बता रहे हैं, खुदा के प्यार को हम कभी भी बयान नहीं कर सकते, खुदा का प्यार हमारे बयान के बाहर है, हम कभी भी बयान नहीं कर सकते, यदि सारा ओशन इंक बन जाए लिखने वाले ने लिखा है और सारे पेड़ डंटर पेन बन जाए और सारे के सारे लोग स्क्राइब बन जाए, हर कोई लिखने वाला बन जाए और आकाश पेपर बन जाए जिसके ऊपर खुदा के प्यार को हम बखान करें, मेरे भाइयों बहनों सारा समुद्र सूख जाएगा, सारे संसार की डालियां ख़त्म हो जाएंगी, ओ लेकिन फिर भी खुदा के प्यार को हम नहीं लिख सकेंगे, उनका इतना प्यार जो उन्होंने मेरे और आपके लिए किया, जिन्होंने स्वयं को मेरे और आपके लिए दे दिया कि मैं और आप वो उस गिरावट से निकल करके बाहर आ जाए, वो मास्टरपीस जो खुदा ने बनाया था वो वापस उस मास्टरपीस की स्टेज में हम वापस आ जाएं, उन्होंने इसलिए अपने अपना बलिदान किया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब आदमी ने डेलिब्रेटली अपना द्वार खोला था वो गिर गया, लेकिन जब इंसान गिर गया खुदा डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता, खुदा ने कहा कैसे शैतान मुझे हरा सकता है, मैं भी खुदा हूँ, और खुदा ने फिर प्लान बनाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे भाइयों बहनों, शैतान एक जो खून खरीदों को नहीं गिरा सकता, क्योंकि खुदा डिफीट एक्सेप्ट नहीं करते, वी आर नॉट डिफीटेड, हम विजयी हैं, बल्कि विजय से भी बढ़कर है। शैतान कोशिश कर सकता है गिराने की, शैतान गिराना भी चाहेगा, मेरे भाइयों बहनों कभी भी निराश नहीं होना,
कभी भी नहीं निराश होना, अरे ये हो गया घर में ये बीमारी आ गई, ये नुकसान हो गया, ये बिजनेस में ये खराबी आ गई, ये कुछ हो गया, ये सारे शैतान के हटकंडे हैं हमारे विश्वास को ढीला करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारा खुदा जीवित है, खुदा के सामने हर एक हारेगा, शैतान खुदा के सामने जीत सकता ही नहीं है। खुदा को शैतान ने आज तक ना डिफीट किया और ना कभी कर सकेगा। यीशु मसीह को शैतान ने सोचा, चलो मैं इनकी परीक्षा ले लेता हूँ। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, मुंह के बोले हुए वचन के द्वारा, लिखे हुए के द्वारा। यीशु मसीह चाहते तो कुछ और इस्तेमाल कर सकते, चाहते तो स्वर्गदूतों को बुला लेते, चाहते तो डेविल को बांध देते, पावर थी बांध देते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं इसे हराऊंगा वचन के द्वारा। वचन के द्वारा उन्होंने शैतान को जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब भी उसे हराया। आज भी हम शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते। शैतान वचन के सामने हार जाता है। शैतान को पूरा वचन नहीं मालूम है, उसे मालूम है कुछ कुछ वचन, लेकिन वचन के भीतर दो लाइन, वचन के बीच में इन बिटवीन लाइन क्या लिखा है शैतान को नहीं मालूम है। इसलिए खुदा ने भाई बहनों का थर्ड पुल बताना नहीं, शैतान भी सुन लेगा। तो हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन है वचन के अंदर है। और जब खुदा ने देखा, अरे आदम को शैतान ने गिरा दिया, खुदा ने कहा मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं फिर से एक रचना को बनाऊंगा, मैं फिर से एक क्रिएशन करूंगा, मैं फिर से एक नया आदम बनाऊंगा। पहला आदम तो गिर गया, लेकिन अब मैं फिर से दूसरा आदम बताऊंगा, मैं फिर से वो सर्वोच्च रचना मास्टरपीस मैं फिर से बनाऊंगा। तो खुदा ने फिर से अपना मास्टरपीस बनाना शुरू किया। अब कैसे बनाया, खुदा ने आदम को कंडीशनल कवनेंट दी थी ये करना, लेकिन खुदा ने कहा अब मैं अपना मास्टरपीस फिर से बनाऊंगा। तब उन्होंने ही स्टार्टेड विथ इब्राहिम, उन्होंने अपना मास्टरपीस बनाना चालू किया। कितना बढ़िया पास्टर भाई ने हमें बताया था खुदा ने इब्राहिम को क्यों चुना। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये बातें हम नहीं जानते थे, लेकिन पास्टर भाई ने पिछले ट्यूजडे कैसे हमें बताया, एक खास चीज थी इब्राहिम के अंदर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो नोआ से मिला था, वो शेम से मिला था, और बाप दादों के सारे सीक्रेट नूह ने इब्राहिम को बता दिया था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने भाई बहन कह रहे, खुदा ने जब मास्टरपीस दूसरा मास्टरपीस बनाना शुरू किया तो उन्होंने इब्राहिम को लिया, इब्राहिम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। और अब की बार उन्होंने इब्राहिम के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी, उन्होंने अनकंडीशनल कवेनेंट इब्राहिम को दिया कि तू शत्रुओं के फाटक पर विजय होगा, हर एक चीज जो लैंड जो देख आकाश के तारागणों को गिन, तेरा वंश इनके समान होगा, समुद्र की बालू की नाई होगा, जो देश तू देख सारा देश में तुझे दूंगा। कोई कंडीशन नहीं रखी खुदा ने कहा एक बार मैंने कंडीशन रखी और मनुष्य गिर गया, अब मैं अनकंडीशनल मास्टरपीस को बनाऊंगा। और सबसे पहले उन्होंने इब्राहिम को चुना। स्टार्टेड विद इब्राहिम, स्टार्टेड में अनकंडीशनल कवेनेंट, नॉट इफ यू विल, यदि आप करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, आई हैव ब्लेस्ड यू एंड यूर सीड, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। इट वॉज एन अनकंडीशनल कवेनेंट। ही स्टार्टेड विद इब्राहिम हिज वर्कमैनशिप अगेन, खुदा फिर से अपनी वर्कमैनशिप बना रहा है, फिर से वो मास्टरपीस खुदा ने बनाना शुरू किया। When he find out, he based on Abraham and gave him the covenant unconditional with the promise. ये खुदा अब अपना अनकंडीशनल, खुदा अपना मास्टरपीस बना रहा है, उसके लिए फाउंडेशन तैयार कर रहा है। फाउंडेशन में पहला पत्थर इब्राहिम। इब्राहिम क्या है भाई बहन बताते हैं, फेथ है ये। देन ही केम टू पेट्रियार्क, वी कम नेक्स्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट एज वी गो डाउन हियर, ही डिस्प्ले द फाउंडेशन ऑफ द वर्क। नाउ वी हैव इब्राहिम, आइजक, जेकब, जोसेफ, द फोर पेट्रियार्क, ये चार पितृ फाउंडेशन है। खुदा ने मास्टरपीस की फाउंडेशन तैयार करी और इस फाउंडेशन में इब्राहिम को रखा, इजहाक को रखा, याकूब को रखा और यूसुफ को रखा। ये चार पितरों को उसने रखा फाउंडेशन के लिए, ये फाउंडेशन में उन्होंने रखा। और ये इब्राहिम फेथ, इजहाक लव, उन्होंने
कैसे टाइप करी मसीह की क्रूस, लकड़ियों को लेकर के पहाड़ के ऊपर चले जा रहे हैं। इब्राहिम ने कहा अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर दे, और आइज़क चला जा रहा है पिता का हुक्म मानते हुए लकड़ी को लेकर के। यीशु मसीह की टाइप, यीशु मसीह सलीब को उठा के कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इज़हाक भी चढ़ा जा रहा, लेकिन खुदा ने इज़हाक को मरने नहीं दिया। हाँ, खुदा इज़हाक दिखाते हैं लव को। उसके बाद जेकब, जो सप्लांटर थे, डिसीवर थे, सब कुछ थे, लेकिन खुदा ने अपना अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट किया। ये बताते हैं ग्रेस को, याकूब के ऊपर खुदा का अनुग्रह प्रकट हुआ। ये तीसरा स्टोन, फाउंडेशन स्टोन, तीसरा ग्रेस, और जोसेफ आया। जोसेफ आया परफेक्शन। यूसुफ परफेक्शन को दिखाता है। तो यूसुफ जहाँ बेचा गया, जैसे यीशु मसीह बेचे गया 30 चांदी के सिक्कों में, यूसुफ 20 चांदी के सिक्कों में भाइयों के द्वारा बेचा गया, लेकिन गड्ढे में डाला गया, उठा करके उसे फेरों के दाहिने हाथ खड़ा किया। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बेचा गया, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन प्रभु के दाहिने हाथ जाकर के भेज गए। परफेक्ट टाइप ऑफ जीसस का जोसेफ, जो परफेक्शन को दिखाता है। तो ये चार फाउंडेशन स्टोन खुदा ने बना दिए। अब खुदा का मास्टरपीस तैयार होने लगा। अब इसके ऊपर फाउंडेशन लगा दिए, देन बॉडी वर्क कम ऑन। अब इसके ऊपर बॉडी वर्क बनना चालू हुआ। फाउंडेशन स्ट्रांग फाउंडेशन है ये। फाउंडेशन में फेथ है, लव है, ग्रेस है, परफेक्शन है। बहुत तगड़ी फाउंडेशन है। शैतान इस फाउंडेशन को अब नहीं गिरा सकता। शैतान की बस की बात नहीं है कि जब मास्टरपीस दूसरा बना रहा है, खुदा इसे गिरा सके। इसे शैतान अब नहीं गिरा सकता। ये फाउंडेशन तैयार हो गई, बॉडी वर्क हो गया। ऑन दिस ग्रेस चपल कर ही मेड द बॉडी वर्क बाय द प्रॉफिट्स। एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नबी आए, जिन्होंने इस मास्टरपीस की बॉडी बनाई। अब ये बॉडी के रूप में सारे लोग तैयार हो गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रॉफिट्स आए। एंड फाइनली केम द हेड ऑफ दिस ग्रेट बॉडी विच वॉज क्राइस्ट हिमसेल्फ। आखिरी में इस मास्टरपीस का शेर आके लग गया, जो क्राइस्ट हिमसेल्फ है। ये खुदा की रचना, ये शेर आकर के बॉडी वर्क के ऊपर फिट हो गया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और एक मास्टरपीस वहां पर खड़ा हो गया। ऑल द वे फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, फ्रॉम द वेरी टाइम ही स्टार्टेड, द फाइनली केम द हेड ऑफ दिस ग्रेट बॉडी विच वॉज क्राइस्ट हिमसेल्फ। ऑल द प्रॉफिट्स हैड फोरटोल्ड ऑफ हिम, ऑल द फाउंडेशन वर्क हैड फोरटोल्ड ऑफ हिम, ऑल द वे फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, फ्रॉम द वेरी टाइम दैट ही स्टार्टेड। जैसे वहाँ पर श्राप दिया था, खुदा ने कहा था स्त्री को, तेरे वंश और इस शैतान, इस सर्प के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, और बैर उत्पन्न हुआ। वहाँ पर एक सीड आया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी फाइंड आउट दैट ही स्टार्टेड देयर एंड कम अप थ्रू द पैट्रियार्क्स इन टू द प्रॉफिट एंड कम आउट देयर। और कैसे भाई बहन हम कह रहे हैं, कैसे वो फाउंडेशन बनी, फिर बॉडी बनी, और फिर हेड आया। वंस अगेन ही सीन हिज ओन रिफ्लेक्शन। खुदा ने अपनी छवि को फिर से एक बार देखा। खुदा यीशु मसीह में कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा है। खुदा ने उस छवि को देखा, अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरे समान दिखता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा ने देखा उस छवि को। सीन इज रिफ्लेक्शन। व्हेन वन मैन वॉज बॉर्न ऑन द अर्थ फ्रॉम द बूम ऑफ ए वुमन, दैट वॉज गॉड्स मास्टरपीस। खुदा का मास्टरपीस पैदा हुआ। इट वॉज द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट द रीजन ही वॉज, बिकॉज ही वॉज परफेक्टली द वर्ल्ड। पूरी रीति से वचन था। अब खुदा का मास्टरपीस बन के तैयार हो गया। नाउ वी सी रिफ्लेक्टेड हिम, अ परफेक्ट मास्टरपीस। ही वॉज सो परफेक्ट लाइक गॉड। एक खुदा के समान यीशु मसीह बिल्कुल परफेक्ट थे। इन्होंने कहा, आई डू द वर्क्स ऑफ माई फादर। मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ वही मैं भी करता हूँ। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव मी, बट जो काम मैं करता हूँ वो पिता को करते हुए देखता हूँ। यू कॉन्ट बिलीव, बिलीव द वर्क्स फॉर दे टेस्टिफाई टू यू। आखिर कामों को तो देखो। आई एम लाइक दैट सी सेड। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। फकीर फरीसों ने कहा, आप अपने आप को खुदा के तुल्य बनाते हो, और जेलसी में लेकर के हमारे मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। सो ऑट एवरी क्रिश्चन, जब सो ऑट भाई ब्रैनम कह रहे हैं, इसी रीति से जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो काम पिता करते हुए मैं देखता हूँ वही काम मैं भी करता हूँ।
मुझ पर विश्वास नहीं करते तो एटलीस्ट वर्ष को तो देखो, वर्ष के द्वारा तो विश्वास करो। भाई बहनम का सो ऑट एवरी क्रिश्चियन टुडे वी हैव द सेम टेस्टमनी। हर एक ईसाई के पास यही टेस्टमनी होना चाहिए। इफ इन दिस प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड इफ अ लाइफ डोंट क्वालिफाई एंड मीट एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड सेड देन वी हैव नो राइट टू कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियन। यदि हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ जो वचन के अनुसार मैच नहीं करती तो हम क्रिश्चियन कहलाने योग्य नहीं है। जो वचन कहता है उसमें अपने आप को परखना चाहिए, क्या हमारी लाइफ वचन के अनुसार है कि नहीं। वचन जो कहता है उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं तो हम क्रिश्चियन कहलाने लायक नहीं है। नो राइट टू कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियन इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन। जीसस सेड इन मार्क 16 दीज साइंस शैल फॉलो दैट बिलीव। मार्कुस 16 में कहा था जो साइंस नाउ वी फाइंड द रिफ्लेक्टेड इम परफेक्टली द सपल्कर नाउ हैड द वर्ड रिफ्लेक्टेड इन द मास्टरपीस अगेन कॉल्ड इज सन गॉड इमैनुअल। जस्ट थिंक दैट अ पर्सन सो यील्डेड अंटिल गॉड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ इन देयर इन दैट बॉडी एंड ही बिकेम हिम एंड गॉड बिकेम वन। सोचिए कैसे खुदा ने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करा। यीशु मसीह खुदा बन गए, खुदा यीशु मसीह बन गए, वन बॉडी। आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक हैं। माई फादर dwelleth इन मी एंड आई डू ऑलवेज विच pleases द फादर। वॉट इफ द क्रिश्चियन टूडे कुड हैव अ testimony लाइक दिस कि मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है और मैं यीशु मसीह में रहता हूँ। भाई बहन कह रहे वॉट क्रिश्चियन शुड हैव द testimony लाइक दिस, जैसे यीशु मसीह की गवाही थी कि मैं और मेरा पिता एक हैं। आज हमारी गवाही होनी चाहिए मैं और यीशु मसीह एक हैं, मैं और यीशु मसीह एक हैं, मैं मसीह यीशु में हूँ और यीशु मसीह मेरे अंदर। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में रहोगे। उस दिन जहाँ क्रिश्चियन को यही तो फील कर देखना है तब तो हम कह सकते हैं हम ईसाई हैं। भाई बहनम कह रहे हैं वॉट इफ द क्रिश्चियन टूडे कुड हैव अ टेस्टिमनी लाइक दैट यू वुड बी अ मास्टर पीस राइट हियर इन यूमा। यदि आप ये विश्वास कर लें, यदि आपका जीवन ये हो जाए कि मैं और मसीह एक है, मसीह मेरे अंदर और मैं मसीह अंदर, मैं मसीह के अंदर जीता हूँ या जीती हूँ, आप एक मास्टर पीस बन जाएंगे। आप दिल्ली में एक मास्टर पीस बन जाएंगे, आप तुगलाबाद में एक मास्टर पीस बन जाएंगे। यदि आप ये कहें मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, आप एक मास्टर पीस बन जाएंगे। इफ यू आर ए वॉश वुमेन आउट देयर बिहाइंड द वॉश टब यू स्टिल बी अ मास्टर पीस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि कोई वॉशर वुमेन है, भाई बहन हम कह रहे हैं, फिर भी यदि मसीह उसके अंदर है और वो मसीह के अंदर है, वो एक मास्टर पीस है। कामों के द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मेन चीज़न है मास्टरपीस बनने का, क्या मसीह हमारे अंदर है कि नहीं। मसीह को हमारे अंदर होना चाहिए तब आप चाहे कोई भी धंधा करते हो, कोई भी कुछ करते हो, आप मास्टरपीस बन जाएंगे खुदा के। हम ऑलवेज एंड यू कैन से आई डू दैट ऑलवेज विच प्लीजेस गॉड, मैं वही करता हूँ या करती हूँ जो खुदा को अच्छा लगता है। एंड द होल वर्ल्ड कैन सी द वर्क ऑफ जीसस, और पूरा संसार फिर हमारे जीवनों के द्वारा मसीह यीशु के कामों को देखे करेगा। जैसे कि गोल्ड को जब लोग पहले समय में कोई और हथियार इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं गोल्ड को क्लीन करने के लिए, तो गोल्ड स्मिथ जो होते थे गोल्ड को लेते थे उसे पीटते थे, इतना पीटते थे कि सारा कचरा उसमें से निकल जाता जब तक कि जो गोल्ड स्मिथ है अपनी पिक्चर उसके अंदर ना दिखना है, इतना प्योर बना देते थे। इस तरीके से गोल्ड को पीटते थे, दे बीट ऑल द आयरन, सब कुछ कचरे को निकाल देते। नाउ दैट्स व्हाट द गॉस्पेल डज, यही है वचन सुसमाचार करता है। पीट पीट के हमारे सारे अधर्म को निकाल देता है, सारी कमियों को घटियों को निकाल देता है कि गॉस्पेल वर्ड की छवि हमारे अंदर दिखने लगती है। वर्ड क्या है? मसीह यीशु, और मसीह यीशु की छवि हमारे जीवनों के अंदर दिखने लगती है। ये काम वचन करता है, वचन को हमारे अंदर आने दीजिए, वचन से धुलाई कराइए, अपनी धुलाई वचन के द्वारा होने दीजिए और वचन
धो के साफ कर देगा कि तब मसीह यीशु आपके जीवन से दिखने लगेगा। Let me have this handful of people in here tonight. भाई बहनम कह रहे हैं मुझे इस प्रकार के वचन से धुले हुए लोग थोड़े से मुझे मेरे हाथ में मिल जाए, जिन्होंने अपने आप को अपने जीवन को वचन के द्वारा धोया है, जिनों के अंदर यीशु मसीह रहते हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह बात करते हैं, और जिस इस रीति से वचन के द्वारा वो पीटे गए हैं, ऑडियो परफेक्ट मास्टरपीस बन गए। लेट मी हैव दिस हैंडफुल ऑफ पीपल इन हियर टुनाइट फुल्ली कंसीडर क्राइस्ट एंड देयर लाइफ डेडिकेटेड टू क्राइस्ट। आई कैन डू मोर विद दिस हैंडफुल ऑफ गॉड कैन डू एंड कैन डू मोर रादर विद दिस हैंडफुल ऑफ पीपल हियर देन यू कुड डू विद द होल वर्ल्ड। मैं इस छोटे से लोगों के द्वारा वो कर सकता हूँ जो सारे संसार के लोगों से नहीं हो सकता। एक थोड़ा सा ग्रुप आ जाए, एक थोड़े से लोग आ जाए मुट्ठी में, जिसे खुदा इस्तेमाल करे, जो खुदा बन जाए, जो मास्टरपीस बन जाए, जिनके अंदर वचन आ जाए, जो अपने आप को वचन के द्वारा धो डालें। भाई ब्रह्म कह रहा ऐसे कुछ लोग मुझे दे दीजिए कि मैं उनसे ऐसे काम बड़े बड़े करा लूँगा। मैं क्या कराऊँगा, खुदा कराएगा। भाई ब्रह्म कहते हैं कि जिस जो काम सारे संसार के लोगों के द्वारा भी नहीं हो सकता। सी वंडरफुल मास्टरपीस यदि बन जाए, वचन हमारे अंदर आ जाए, तब तो लिखा है यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके चला जा समुद्र में, तो वो चला जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसे होने हैं मास्टरपीस। खुदा ऐसों को चाहता है जो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, यदि पॉइजन भी पी लो, नाशक वस्तु भी पी लो, तो कोई हानि नहीं होगी। हाँ, खुदा ऐसे लोगों को चाहता है। वन मैन सरेंडर टू हिज हैंड फुल्ली दैट्स ऑल गॉड नीड्स। एक आदमी जो पूरी रीति से सरेंडर्ड है, एक आदमी जिसने अपने आप को पूरी रीति से खुदा के हाथ में सरेंडर कर दिया है, खुदा ऐसों को चाहता है। हाँ, व्हाइट मूडी एक इंसान था जिसने अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर दिया गॉड को, और हजारों आत्माओं को उसने बचाया। हाँ, प्रभु ऐसे एक मास्टरपीस को चाहता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसा ही एक मास्टरपीस हमारे युग में भी आया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने आप को वचन को सरेंडर किया, और खुदा ने इस मास्टरपीस को सारे संसार में 3 बार लेकर के घुमाया, और कैसे माइटी माइटी वर्क्स करे, कैसे खुदा ने माइटली इन्हें इस्तेमाल किया, और कैसे 1180 मैसेज आए, कैसे वो 7 मोहरों की मुकाशवा का प्रचार हुआ, वगैरह वगैरह हम सब जानते हैं। एक इंसान जिसने अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर दिया खुदा के हाथ में, और खुदा जानता है उसे मैं इस युग का प्रॉफिट बना दूंगा, ये खुदा के हाथ में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हा? हा? आज भी हमारे बीच में सेवका ही है जिसने अपने आप को सरेंडर किया है, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, और खुदा इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा क्या क्या नहीं कर रहा आप खुद देख लीजिए। हमारे सामने हाथ आरसी को कंगन क्या कहते हैं, वो आरसी को सबूत क्या है, सबूत देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे सामने है सब कुछ। हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो हर कुछ चीज़ हमारे सामने है मेरे भाइयों बहनों। यदि अपने आप को सरेंडर कर लो, किस अद्भुत रीति से खुदा बातचीत करता है, बड़े बड़े भेदों को लेकर के सामने आता है, और फिर यहाँ से आएगी आवाज़ कि आज मैं बैठा था रूम में और खुदा ने उतर करके आ गए, खुदा ने ये बोला, खुदा ने ये बोला। ये हर एक के साथ नहीं हो सकता, केवल उनके साथ हो सकता है जो अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर देते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बहन हमारे एग्जाम्पल है, हमारे बीच में सेवकाई हमारा एग्जाम्पल है, कैसे अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करना। फिर रोटी कपड़ा मकान की चिंता है ही नहीं, वचन 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 वचन। हाँ? कैसे अद्भुत रीति से खुदा ने इन 3 दिनों में हमसे बातचीत करी, ऐसे ऐसे भेदों को प्रभु ने हमारे बीच में खोला, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। लास्ट ट्यूजडे का मैसेज कभी ध्यान ही नहीं जाता। हम तो यही सोचते थे, मैं तो यही सोचता था, हमेशा यही सोचता था, खुदा ने अब्राहम को ये सडनली कैसे चुन लिया। सारी ये चल रही है 11 अध्याय आया, ये हो गया वो हो गया, और 12वें अध्याय को खुदा आदम इब्राहिम को कह रहा है अपने देश को छोड़ और निकल करके आ गया। इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड था। समझाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। समझाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा आकर के कैसे ये भेद को पिछले ट्यूजडे खोला। अब हम जानते हैं
अब इब्राहिम के बारे में बात आई तो हम जानेंगे इब्राहिम कौन था। अब हर कलीसिया का बंदा जान गया इब्राहिम कौन था और क्यों खुदा ने उसे चुना। और ये मैसेज में बता रहा हूँ, फाउंडेशन है मास्टरपीस का, एक स्टोन इब्राहिम है और मास्टरपीस बनना शुरू हुआ इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम से स्टार्ट हुआ, इब्राहिम के वंशज से स्टार्ट हुआ। तो क्या हम और आप इब्राहिम के वंश नहीं हैं? आज खुदा जब मास्टरपीस बनाएगा अपने लिए तो क्या हमें उसमें एक पत्थर नहीं रखेगा? क्या हमें उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया करेगा मेरे भाइयों बहनों? क्योंकि हम भी तो इब्राहिम के वंश हैं। ओ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। वन मैन सरेंडर्ड अन टू हिज हैंड फुल्ली, दैट्स ऑल गॉड नीड्स। खुदा को संसार के शूरवीर नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदम फाजिल नहीं चाहिए, खुदा को एक इंसान चाहिए जो पूरी रीति से डेडिकेटेड हो, पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर करता हो। व्हाट वी नीड, आई भाई बहनम कह रहे हैं बात उस समय की कर रहे हैं, आई हियर द टेस्टिमनी द ओल्ड फैशन पेंटिकॉस्टल हाउ दे हैड प्रेयर मीटिंग ऑल नाइट लॉन्ग। पुराने समय में भाई बहनम कह रहे हैं कैसे पेंटिकॉस्टल्स के बीच में, क्योंकि उस समय तो मेन पेंटिकॉस्टल ही होते थे, मेथोडिस्ट वगैरह वगैरह थे, आज तो मैसेज बिलीवर्स हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कैसे वो नाइट लॉन्ग मीटिंग प्रेयर मीटिंग करते थे, पूरी रात की प्रेयर मीटिंग करते थे। आप फादर एंड मदर 40-50 ईयर्स अगो प्रे ऑल नाइट लॉन्ग, द पीपल हेटेड देम ऑन दैट स्ट्रीट एंड वी थिंक टुडे इफ एवरीबडी डोंट पैट ऑन अस शोल्डर व्हाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। वो अन टू यू व्हेन ऑल मैन स्पीक वेल ऑफ यू, He was despised and rejected of man and we are his image. यदि मनुष्य तुम्हारे लिए अच्छा बोले, भाई बहनों का वो ऑन यू, इसका मतलब आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हो। लेकिन मनुष्य जब आप हमारे बारे में बोले ये कल्ट हो गए, ये पता नहीं कौन से मैसेज में चले गए, तब हम खुदा की मास्टरपीस की इमेज में बन रहे हैं। भाई बहनों का उस समय नाइट लॉन्ग प्रेयर होती थी, ये वाकई सच है, मैं भी इसी गवाही दूंगा, हाँ होती थी। हम भी पेंटिकॉस्टल के समय में से, हमारे यहाँ भी सैटरडे शाम से होल नाइट प्रेयर होती, संडे मॉर्निंग की सर्विस होती थी, तब जा कर के फास्ट टूटता था। ये था, होता था पेंटिकॉस्टल्स के बीच में, और तभी तो ये मैसेज निकल करके आया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया। भाई बहन हम बता रहे हैं कैसे वो आगे काम बढ़ता चला गया और लोगों ने वचन को सुना। हाँ, और भाई बहनम कह रहे हैं व्हाट वी नीड इज सम रियल जेन्युइन प्रेयर मीटिंग्स। भाई बहनम कह रहे हैं व्हाट वी नीड टुडे इज सम रियल जेन्युइन प्रेयर मीटिंग। और मैं धन्यवाद करता हूँ 3 दिन की मीटिंग के लिए, ये जेन्युइन प्रेयर मीटिंग थी, ये रिवाइवल मीटिंग थी। प्रभु ने हमारे भाई के मन में डाला, पहला शब्द उनका यही था मीटिंग, हम 3 दिन की रिवाइवल मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। वॉट वी नीड टूडे भाई ब्रैनम कह रहे जेन्युइन रिवाइवल मीटिंग, और हमारे बीच में 3 दिन की रिवाइवल मीटिंग प्रभु ने रखा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े भेदों को खुदा ने हमारे छोड़ा खोला। सम क्लीनिंग अप ऑल द वे फ्रॉम द पुलपिट टू जेनिटर, द होल हाउस टू बी क्लीन अप ऑफ गॉड, बीट अप रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ द बीटर, द गॉस्पल प्रीच इन द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, दैट्स राइट। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बहन हम कह रहे हैं ब्रदर आई रादर सी इट प्रॉस्पर इन द पावर ऑफ द लॉर्ड, मैं ये चाहूँगा। भाई बहन हम कह रहे हैं कि मैं खुदा की सामर्थ में आगे बढ़ूँ, खुदा की पावर में आगे बढ़ूँ, बनिस्बत इसके कि प्रॉस्पर इन द वर्ल्डली थिंग्स, बनिस्बत इसके कि मैं वर्ल्डली थिंग्स में हो जाऊँ। खुदा की सामर्थ में हमें आगे बढ़ना है। रोटी कपड़ा मकान एक एक मिल गया तो बहुत अच्छा है, रो खुदा दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन 24 घंटे इसी धुन में लगे रहे। भाई बहनम कह रहे हैं हमें पावर ऑफ लॉर्ड में होना चाहिए, खुदा की सामर्थ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दुनिया की उपलब्धियों में। हमारा सारा मन दुनिया की उपलब्धियों में ना लगा रहे, केवल उतना जो हमारे खाने के लिए जीवित रहने के लिए काफ़ी है। हम खाने के लिए जीवित नहीं रहते हैं, हम जीवित रह करके ये नहीं सकते हमें खाने को मिलता रहे, लेकिन उतना ही खाते हैं जिससे हम जीवित रह सके, उतना ही कमाना है जिससे हमारी दिनचर्या चल सके, उतना ही कमाना है जिससे हमारी फैमिली मेंटेन हो सके। लेकिन पूरे टाइम पैसा पैसा पैसा, भाई बहन हम कह रहे हैं ये ऐसा नहीं, लेकिन हमें सीध प्रॉस्पर इन द पावर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की सामर्थ में हमें आगे बढ़ना है।
गेट बैक टू द गॉस्पेल अगेन, गेट बैक टू द पावर ऑफ गॉड, गेट बैक टू पेंटिकॉस्ट लाइक द ओरिजिनल वॉल, गेट बैक, भाई ब्रैनम कह रहे हैं फिर से खुदा की सामर्थ में पावर में वापस चले जाओ, गेट बैक टू द पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस, फिर से वापस चले जाओ. बट यू सी द ट्रबल ऑफ इट इज वी डोंट वॉन्ट टू टेक दैट बीटिंग. भाई ब्रैनम कह रहे हैं हम वो बीटिंग लेना नहीं चाहते, जो मार लेना वचन की हम नहीं चाहते. जैसे वो सुनार मारता है सोने को, हम वैसी बीटिंग लेना नहीं चाहते. हम वचन को मानना नहीं मांगते. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर हर कोई वचन को मान रहा है. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वे में हम लोग बहुत अच्छे हैं. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो. आज वचन को हम लोग हाँ और आमीन करके मानते हैं, आमीन करके कहते हैं. जब वचन खुदा का निकल करके पुलपिट से आता है, हम उसको एग्री करते हैं, उसे मानते हैं और अपना तर्क वितर्क उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. वॉट वी नीड टूडे इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन साइड ऑफ अस. आज हमें क्या चाहिए, मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाए. हमारे अंदर मसीह का जीवन आना चाहिए, आज हमें इसकी ज़रूरत है. दैट्स वॉट प्योरीफाइज, नॉट द आउटवर्ड और टर्न अराउंड कॉलर और डिग्री ऑफ साइकोलॉजी. आउटवर्ड डिग्रीज नहीं चाहिए हमें दिखाने के लिए कि हमारे पास ये डिग्रीज हैं, ये हैं, वो है. हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें मसीह यीशु का जीवन चाहिए, जीवन आना चाहिए. इट टेक द पावर ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट टू मेक अस व्हाट वी शुड बी. गॉड हैज़ टू नो प्लान, देन लेट द होली स्पिरिट रूल एंड रेन इन द चर्च. ओ गॉड, ही वॉज सो मच इन द इमेज ऑफ गॉड टिल हिम एंड गॉड बिकम वन. जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं और फादर एक हूँ, हमें वैसे बनना है, उस इमेज में हमें आना है कि हम और यीशु मसीह एक हो जाए. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. शैतान वचन के द्वारा हमें हरा नहीं सकता, शैतान वचन के द्वारा हमें हरा नहीं सकता. हमारे पास वचन है खुदा का, वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं. इट इज एवरी टाइम गॉड थॉट ही हैड ए मास्टरपीस, सेटन गॉटन. जब भी खुदा ने सोचा मैंने अपना मास्टरपीस बना लिया, शैतान आ गया. अब एग्जांपल देखें मूसा का. मूसा को खुदा ने परफेक्ट बना दिया था. मूसा, खुदा ने कहा था कि मूसा ऐसा नहीं है, मैं विजन से दर्शनों के द्वारा तो प्रॉफिट से बात करता हूँ, लेकिन मूसा मेरा दास ऐसा नहीं है, मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ. लेकिन वहाँ पर भी देखिए शैतान ने कैसे उस मास्टरपीस को भी गिरा दिया, और कैसे मूसा ने जब पहाड़ से उतर करके आ रहा था वो दो व्यवस्था की पट्टियों को लेकर के उससे फेंक दिया वो चट्टान को. जब खुदा ने कहा था बात करना, उसने पानी उसे लाठी मारी और खुदा के कमांडमेंट को तोड़ डाला. उसने मूसा को भी उसने गिरा दिया, मास्टरपीस को. ही गॉट इन मोसेस एंड ही ब्रोक द कमांडमेंट, बट व्हेन ही कम टू द मास्टरपीस दैट गॉड वाज ओन चूजिंग. लेकिन जब शैतान आया उस मास्टरपीस के पास जो खुदा की खुद की चूजिंग थी, तब उसके पास आया. ही हैड फोर ओर्डेंड देम, इट डिडंट डू हिम नो गुड. ही स्टेड ट्रू टू गॉड. व्हेन गॉड लुक्ड एट हिम एंड सीन ही वाज टेम्प्टेड 40 डेज. प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, 40 दिन उनका टेम्पटेशन हुआ. उसके बाद टेम्प्टर आ गया. टेम्प्टर ने, मैं उसमें नहीं जा रहा, टेम्प्टर ने आया, यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं ली और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान को हरा दिया. इट इज़ रिटर्न के द्वारा ही यीशु मसीह ने मुँह के निकले हुए वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया. और आखिरी में दौड़ वगैरह शैतान को चल गया. देयर वॉज अ मास्टर पीस. वॉट डिड ही डू? ये था एक मास्टर पीस जिसने शैतान को हरा दिया. नॉट ही सैड इट इज़ रिटर्न. दैट्स वॉट ही पुट हिज फर्स्ट एडम बिहाइंड एंड ही फेल एंड सैटन मार्ड इट, बट ही कुड नॉट मार दिस वन नो मैटर वॉट ही डन इन सो मच टिल ही. उसने आदम को तो गिरा दिया शैतान ने, लेकिन इस दूसरे आदम को शैतान गिरा नहीं पाया. गॉड सेड दिस इज माई बिलेवड सन, हियर ही हिम. ये परफेक्ट मास्टर पीस था. खुदा ने कहा हियर ही हिम. मरकुस 9:7 में देखिए माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन का जिक्र है. कैसे ये मास्टर पीस के बारे में खुदा कह रहे हैं, खुद ये मेरा
प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। मरकुस 9वां अध्याय, भाई बहनों ने यही टेक्स्ट लिया, मत्ती 17 में भी है, लेकिन भाई बहनों ने इसको पढ़ा, हम भी इसको पढ़ते हैं। मरकुस 9वां अध्याय भैया। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। हाँ, एक बादल ने, यहाँ पे हम एक सेकंड पहली आज से पढ़े भैया। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। एक मिनट, मैं भी निकाल लूँ। हाँ, अब पढ़े भैया। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं जब तक खुदा के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देखे, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हम सब जानते हैं टेक्स्ट के बारे में। वहाँ पर यीशु मसीह चेलों को लेकर गए, पतरस याकूब यूहन्ना को, और वहाँ पर उनका रूप बदल गया। ये मास्टरपीस थे। अब खुदा इनके साथ आइडेंटिफाइड होना चाह रहा है, एक पहाड़ के ऊपर लेकर के गया, पहाड़ के ऊपर ही आइडेंटिफाइड करेगा। बस जैसे हमारे युग में सनसेट माउंटेन के ऊपर प्रॉफिट को खुदा ने लेकर के गया, और वहाँ पर खुदा ने भाई ब्रैनम के साथ आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर हमारे प्रभु उतर करके आ गए, वहाँ पर सात दूत उतर करके आ गए, और उन्होंने एक कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 एंजल, हम सब जानते हैं कैसे भाई ब्रैनम को उन्होंने ऊपर उठा लिया, और वहाँ पर भी यही आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, पढ़े भैया आगे। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी ऐसा वस्त्र साफ सफ़ेद नहीं बना दे। His raiment became shining, exceeding white as snow. So, as no fuller on earth can white them. कोई भी धोबी इस ऐसे वस्त्र को इतना सफ़ेद नहीं धो सकता। खुदा के अंदर देखिए कितनी सामर्थ है। मसीह यीशु का रूप बदल गया, एक सफ़ेद स्नो एज वाइट हो गया, उसके कपड़े एकदम स्नो एज वाइट हो गए। हाँ, जैसे कोई धोबी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकता। आगे। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। हाँ, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ, पतरस पहले ही बोलते थे हमेशा, एज यूजुअल पत्रस कह रहे हैं, प्रभु जी हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, आइए हम यहाँ पर तीन मंदिर बनाएंगे, हाँ, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। हाँ, पत्रस कह रहे थे ये सब बातें, तब क्या हुआ? क्योंकि वो ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला। हाँ, एक बादल आ गया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता, वो बादल आज हमारे पास है। यही बादल वहाँ भी उतरा, यही बादल वहाँ पर भी उतरा। हाँ, एक बादल ने उन्हें छा लिया, बादल में उन्हें घेर लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे। और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये इसकी सुनो, ये मेरा मास्टर पीस है, इसकी सुनो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 2000 साल के बाद यही घटना फिर से सनसेट माउंटेन के ऊपर घटी, जब हम भाई ब्रैनम उस कॉन्स्टलेशन में ऊपर उठा लिए गए, भाई ब्रैनम का आइडेंटिफिकेशन हुआ, ये भी एक मास्टरपीस है। जैसे यीशु मसीह का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो रहा, ये मास्टरपीस है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। भाई ब्रैनम के भी यहाँ पर, हाँ, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, इनकी सुनो। इन्होंने 11 मैसेजेस लिखे हैं, इन्होंने प्रचार करे हैं, इन्होंने सात सील का मोरों का प्रचार किया, इन्होंने 7 चर्चेज प्रचार किए वगैरह वगैरह, इनकी सुनो, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, इनकी सुनो। ये मैसेज है सनसेट माउंटेन से, जैसे यहाँ पर ऊंचे पहाड़ से एक मैसेज आ रहा है, जब यीशु मसीह का अडॉप्शन हो रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। आज हमारे समय में भी 2011 में फिर से ये बादल उतर करके आया, फिर से ये पिलर ऑफ फायर उतर करके आया, और वहाँ से भी यही आवाज़ है। आवाज़ को वचन के अंदर होती है, आवाज़ को सुनना चाहिए, आवाज़ को समझना चाहिए, वो आवाज़ भी यही कहती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अदरवाइज खुदा आइडेंटिफाई नहीं करता,
खुदा ने आइडेंटिफाई ही इसलिए किया है कि मैं एक मास्टरपीस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और एक को ठहराया हूँ, एक को ठहरा रहा हूँ कि इसकी सुनो, इनकी सुनो, ये जो बोले उनकी सुनो, ये जो कहे उसकी सुनो, औरों की तुम नहीं मानना, और कहते हैं कहने दो, लेकिन जो ये कहे जिसे मैंने विंडिकेट किया है, जिस सेवकाई को मैंने विंडिकेट किया है, मैं कहता हूँ इनकी सुनो, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सेम टाइप चल रही है, सेम टाइप चल रही है। हमारा खुदा कभी बदलता नहीं है, खुदा हमारा कल आज युगानुयुग एक सा है, है? क्योंकि इंसान इंसान है, लेकिन जो पिलर ऑफ फायर है, है? वो बोलेगा, वो इंसान के जरिए से बोलेगा। तो हम किसी इंसान को नहीं उठाते, है? हम किसी इंसान को नहीं उठा रहे, लेकिन उस प्रभु को जो उसके इंसान के ऊपर आ गया है, पवित्र आत्मा के रूप में आ गया है, पिलर ऑफ फायर के रूप में आ गया है, अब वो बोलेगा, अब वो बोलेगा, और इसकी आप सुनिए। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी डीलिंग के लिए, कैसे अद्भुत रीति से खुदा हमसे डील कर रहा है, कैसे खुदा अद्भुत रीति से मास्टरपीस बना रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आए 2000 साल पहले, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या और मास्टरपीस नहीं बनेंगे? युगों युगों में मास्टरपीस बनते चले जा रहे हैं, हम में से हर एक एक मास्टरपीस बनता चला जा रहा है। जब खुदा हमारे अंदर आ जाए, हम मास्टरपीस बन जाते हैं, हैं? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर उठा लिए गए, आज भी वही घटना हुई, हमारे समय में भी वही घटना हुई है। हम विश्वास करते हैं, हम इसके गवाह हैं, गवाह है। ये स्टोरी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये कहानी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये हकीकत में ऐसा ही हुआ है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ, उसके बाद हम सब जानते हैं, जैसे वचन में हमने पढ़ा, ही वॉज वाउंडेड फॉर अ ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूज फॉर अ इनिक्विटी, वो हमारे लिए हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे रोगों के कारण उनको ताड़ना पड़ी, हाँ, वो लैम थे, लैम ऑफ गॉड, द परफेक्ट सेक्रीफाइस थे वो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, देयर नेवर हैज बीन नोबडी लिव लाइक हिम, नेवर हैज बीन नोबडी सिंस लिव लाइक हिम, ही वॉज द परफेक्ट मास्टरपीस, मैच गॉड वर्ड एग्जैक्टली। प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट मास्टरपीस थे, और अब जिसके अंदर ये आ जाए, जिसके अंदर वही पिलर ऑफ फायर आ जाए, वो भी मास्टरपीस बन जाएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें निकलता जा रहा है, ही केम टू रिफ्लेक्ट द फादर एंड द फादर वॉज द वर्ड, आमेन। नाउ आई फील रियल रिलीजियस। यीशु मसीह आए थे वचन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और फादर वचन है, ही केम टू रिफ्लेक्ट द फादर्स वर्ड, गॉड सेड ही वुड बी देयर एंड देयर ही वॉज द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हिम, ही रिफ्लेक्टेड एवरीथिंग दैट गॉड हैज स्पोक ऑफ, ही रिफ्लेक्टेड वॉट आइडन सेड अबाउट हिम, ही रिफ्लेक्टेड वॉट प्रॉफिट सेड अबाउट हिम, ऑल पैट्रियार्क्स सेड एवरीथिंग दैट ही सेड, ही वॉज द फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ड, जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो कुछ भी पैट्रियार्क्स ने कहा, जो कुछ भी वचन के अंदर लिखा गया था, सारा के सारे बातें प्रभु यीशु मसीह फुलफिल कर रहे थे, सारी की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो रही थी। ऑल टाइप ऑफ फुलफिल्ड इन हिम, ये ही बिकेम यहोवा ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। यीशु मसीह पुराने नियम के यहोवा, नए नियम के यीशु मसीह बन गए, नए पुराने नियम का यहोवा यीशु मसीह नए नियम के। ही वॉज द ओल्ड टेस्टमेंट यहोवा, द वर्ड देन विच वॉज इन द पिलर ऑफ फायर वॉज मेड मैनिफेस्ट एंड ड्वेल्ट अमंग अस, और हमारे बीच में डेरा किया। आज भी वो पिलर ऑफ फायर, आज भी वही यहोवा, आज भी वही खुदा, आज भी वही यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में ड्वेल करते हैं, आज भी मसीह यीशु हमारे बीच में डेरा करते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे। हर कोई भी पिलर ऑफ फायर को विश्वास नहीं करता, कहेंगे अरे ये क्या टोपी पहन ली, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम जानते हैं ये क्या है, हम जानते हैं ये कौन है, हम जानते हैं ये हमारा खुदा है, ये हम जानते हैं हमारे खुदा है। बाकी लोगों के लिए हंसी हो सकती है, खेल हो सकती है, कह सकते हैं पिक्चर बना लिया, हो सकता है कोई कुछ कर लिया, क्या भाई ब्रैनम के टाइम में नहीं कहा था,
वही आत्मा आज भी चल रही है, वही आत्मा आगे भी चलती रहेगी मेरे भाइयों बहनों। लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, और मैं कहूँगा धन्य है तुम्हारे हृदय जो विश्वास करते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। खुदा विश्वास करने वाली बात है, देख लिया सुन लिया और सुन करके चले गए कोई फायदा नहीं है जब तक विश्वास ना करें। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वेल देन, और हमारे अंदर मसीह यीशु का जीवन दिखना चाहिए। वैसे जैसे जब यीशु मसीह चले गए प्रेरितों ने वो माइटी वर्क्स करे, लोगों ने पहचाना कि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो मछुआरे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा एजुकेशन क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कितने एजुकेटेड हैं, कितने फिलोसोफर हैं, कितने क्या हैं, फ़र्क पड़ता है क्या मसीह यीशु हमारे अंदर है कि नहीं। लोगों ने गवाही दी ये चेलों के विषय में कि ये यीशु के साथ रहे हैं, यीशु के साथ रहे हैं। क्या लोग हमारे लिए गवाही दें, ये प्रॉफिट ब्रैनम के साथ रहे हैं, ये उस मैसेज को मानने वाले लोग हैं, क्या लोग गवाही दें हाँ ये यीशु के साथ रहे हैं। हमारे अंदर से ये जब रिफ्लेक्शन होगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये गवाहियाँ निकलेंगी। हमारे अंदर वो जीवन होना चाहिए। यू थिंक दैट व्हाट यू वुड डू इफ यू वॉज हियर एवरी थिंग वॉज अगेन जीसस क्राइस्ट लिव्ड इन दोज हिज डेज। यदि आप उन दिनों में होते तो हर चीज़ तो यीशु मसीह के खिलाफ थी, पकी फरीसी हर कोई यीशु मसीह के खिलाफ थे, हर कोई यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे कि कब इसको पकड़वाएं कब इसको पकड़वाएं। लेकिन भाई बहनम कह रहे कोई सोचता होगा अरे मैं यीशु मसीह के समय में होता ना तो मैं ऐसा करूँगा, अरे मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करूँगा। भाई बहनम कह रहे हैं अभी तो हो, अभी तो हो, अभी तुम्हारा क्या रिफ्लेक्शन है, अभी आप मैसेज को कैसे लेते हो, आप अभी वचन को कैसे रखते हो और कैसे वचन की गवाही देते हो। वो समय को छोड़िए, आज भी तो वही समय चल रहा है। आज हम वचन को कैसे लेते हैं, कैसे आज वचन की गवाही देते हैं। लुक हाउ दे आर टुडे, लुक हाउ दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इट एंड यूनाइटेड, कैसे आज संसार में लोग संस्थागत हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट विद द वर्ल्ड। स्टैंड आउट, खड़े होइए ना अब इसके खिलाफ। ये क्यों कहते हैं कोई कि भाई मैं यीशु मसीह के समय खड़ा होता मैं फकीर फरीसियों के सामने खड़ा होता। आज सारे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज एक हो रहे हैं, मैसेज को अलग कर रहे हैं, डिनोमिनेशन की शिक्षाएं ला रहे हैं, वर्ड को तोड़ रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। भाई ब्रैनम कह रहे हैं इसके अगेंस्ट खड़े होइए ना अब, इसके अगेंस्ट खड़े होइए, स्टैंड आउट, टेक योर स्टैंड फॉर जीसस क्राइस्ट, खड़े होइए और मसीह के यीशु के लिए अपना स्टैंड लीजिए, खड़े होइए एंड हिज वर्ड लेट नथिंग हिंडर द स्टे राइट वे से, स्टे वचन के साथ साथ खड़े रहिए, अपने आप को प्रकट करिए। जैसे कि वहाँ पर भाई बहनम कह रहे हैं यहाँ पर चाइना मैन आए थे, उन्होंने लॉन्ड्री खोली तो उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, हम सब जानते हैं स्टोरी को, पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। कोई कपड़े ला के दे तो वो एक पेपर लेते थे और उसे फाड़ देते थे, जैसा भी फटे, एक हिस्सा जो कपड़े दे रहा है उसको दे देते थे और एक हिस्सा अपने पास रख लेते थे। जब तक दूसरा हिस्सा आप चाइना मैन को नहीं देंगे और वो मैच नहीं करेगा आपके कपड़े वो नहीं देंगे, चाइना मैन देगा ही नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन मसीह के जीवन से मैच होना चाहिए, तभी तो हम क्रिश्चियन कहलाएंगे, तभी तो हम मसीह कहलाएंगे। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं यदि मैं होता तो ये कर लेता, मैं होता तो वो कर लेता। आज क्या कर रहे हो, क्या आज आपका जीवन मसीह के जीवन से मैच कर रहा है, क्या आज आपका जीवन मैसेज से मैच कर रहा है, क्या आपका जीवन आज वर्ड से आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या आप मैसेज के ऊपर पक्के खड़े हुए हो। यदि नहीं तो वो गठरी मिलेगी नहीं, यदि नहीं तो यीशु मसीह कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। कर प्रभु जी हम तो मैसेज बिलीवर थे, प्रभु जी हमने तो ये किया, प्रभु जी हमने तो वो किया, कहेगा मेरे सामने दूर हो जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से मैच नहीं कर रहा। वो मैच करने वाला पेपर कहाँ है, मैंने अपना जीवन कैलवरी क्रूस के ऊपर मैंने अपना खून बहाया, बॉडी लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, पिटरा के दहने और
बैठ गए और उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भेज दिया, शो मी द होली घोस्ट। इसलिए बार बार इस पुलपिट से कहा जाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नया जीवन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह ने निकोदिमस से क्या कहा था, जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको छोड़िए देख भी नहीं सकता। वो जीवन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या यीशु, वो इसीलिए तो पौलुस कहते हैं पवित्र काम 19वां अध्याय के अंदर, हैव यू गॉट द होली गोस्ट सिंस यू बिलीव। आज हमारे पास वो टोकन होना चाहिए, आज हमारे पास वो आधा फटा हुआ पेपर होना चाहिए, यदि हमें क्लेम करना है, यदि हमें अपना अनंत जीवन क्लेम करना है, यदि हमें रैप्चर क्लेम करना है, यदि हमें स्वर्ग में जाना है, यदि आज हमें मसीह के साथ हमें जाना है, तो वो टोकन होना चाहिए, वो आधा पीस होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा जो उसने उन्होंने भेजा है वो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये मैच होगा। यदि मैच नहीं हुआ, जैसे लॉन्ड्री मैन कह देता था भाई मैं तुम्हारा कपड़े नहीं दे सकता क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा, वैसे यीशु मसीह कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि वो आधा पेपर जो मैंने तुम्हें दिया था, जो पवित्र आत्मा जो मैंने तुम्हें उंडेला था वो कहाँ है। बहुत ज़रूरी है हम में से हर एक को वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, भाई पास्टर भाई बार बार कहते हैं चेक करिए कि पवित्र आत्मा पाया कि नहीं, यदि मिला है तो क्या रिफिलिंग है, बार बार अपडेट है कि नहीं। पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूँ, रोज मैं मरता हूँ। पौलुस पहले युग के संदेश मैं कहूँगा प्रॉफिट, पौलुस भी एक प्रॉफिट थे, उन्हें रोज मरना था। भाई ब्रैनम रोज मरते हैं, रोज मसीह के सामने जाना है, रोज़ मसीह के सामने अपने आप को कुर्बान करना है, रोज़ मसीह के सामने अपने आप को बलिदान कर करके चढ़ा देने हैं, और रोज़ चेक करना है कि मेरे पास पवित्र आत्मा सलामत है कि नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा छुई मुई है। अब से सिंपल हिंदी के वर्ड में कहूँ नाराज़ होके जरा सी बात पे नाराज़ होके चला जाएगा। तो पवित्र आत्मा को हमेशा, जैसे बहुत कॉस्टली चीज़ होती है ना, जब कोई कॉस्टली चीज़ हम पॉकेट में रख के लेके जा रहे हैं बार बार पॉकेट को छूते हैं भाई गिर तो नहीं गई, गिर तो नहीं गई, झांक के देखते हैं और हाथ लगा लगा के देखते हैं है कि, इसी रीति से अपने दिल पे हाथ रख के देखना चाहिए क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं, क्या पवित्र आत्मा है कि नहीं। उस दिन तो मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, लेकिन क्या आज बपतिस्मा मेरे पास सुरक्षित है कि नहीं, क्या वो पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है कि नहीं, क्या वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना रैप्चर नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं है। दैट्स द वे गॉड मेड हिज कवेनेंट टू अवर एक्सपीरियंस इज नॉट टू मैच सम क्रीड। हमें किसी क्रीड के साथ मैच नहीं करना है, किसी डॉगमास के साथ हमें मैच नहीं करना है, किसी डिनोमिनेशन के साथ हमें मैच नहीं करना, बट इट्स टू मैच गॉड्स वर्ड जीसस क्राइस्ट राइट। हमें किसी डॉगमास के साथ मेंशन नहीं करना, मैच नहीं करना, किसी क्रीड के साथ मैच नहीं करना, हमें खुदा के वचन के साथ जो यीशु मसीह है उसके साथ हमें मैच करना है। और आज यीशु मसीह आज के संदेश में है, आज के युग के संदेश के साथ हमें मैच करना है, हमें देखना है हम पूरी रीति से आज के समय का संदेश मान रहे हैं कि नहीं, या कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम मान लेते हैं और कुछ कड़वी चीज़ छोड़ देते हैं। इसराइलियों को कहा गया था ये मेमने को जब खाओगे सारा खाना अतड़ियों समेत सबको आग में भून करके खा लेना है। अरे अतड़ियाँ कोई खाता है भैया, अतड़ियाँ खानी पड़ेंगी, यदि रैप्चर में जाना है तो अतड़ियाँ खाना पड़ेगा, कड़वी चीज़ खाना पड़ेगा, जो वचन कहता है छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा, जो वचन कहता है करो तो वो करना पड़ेगा। मसीह यीशु को पहचानना, यीशु मसीह को देखना क्या हमारे अंदर है कि नहीं, क्या ये वचन मैसेज का हमारे अंदर है कि नहीं। राइट, व्हेन वी कम टू क्राइस्ट देन क्राइस्ट क्लेम्स अस, ही टोर हिम इन टू एट कैलवरी पार्ट ऑफ इट लिफ्टेड अप एंड सेट एट हिज राइट हैंड विच वॉज द बॉडी द स्पिरिट केम सेंड बैक हियर टू मेक ए ब्राइट फॉर हिम। पवित्र आत्मा आया है और वो ब्राइट को बना रहा है, एक और मास्टरपीस को बना रहा है। यीशु मसीह मास्टरपीस है, उनकी दुल्हन भी तो मास्टरपीस होगी। मास्टरपीस ऑर्डिनरी से शादी नहीं कर सकते, मास्टरपीस को मास्टरपीस ब्राइड ही चाहिए। एक दुल्हन गिर गई थी,
ईद पेंटेकोस्त के दिन वो ब्राइट फिर से गिर गई, लेकिन खुदा फिर से वो मास्टर पीस ब्राइट बना रहा है। वेस्ली में होते, लूथर में होते हुए, वेस्ली में होते हुए, भाई ब्रैनम में होते हुए, आज मैसेज चलता चला आ रहा है और एक ब्राइट, मास्टरपीस ब्राइट फिर से रेडी हो गई है। क्या हम इस मास्टरपीस ब्राइट के मेंबर हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। एंड द सेम एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्ट हैज़ टू बी इन अस, एंड दैट सेम एक्सपीरियंस दैट वाज इन क्राइस्ट हैज़ टू बी इन अस। वही एक्सपीरियंस जो मसीह यीशु में था हमारे अंदर भी होना चाहिए। ही वॉज सो एब्सोल्यूटली परफेक्ट, अभी भाई बहन हम कह रहे हैं यीशु मसीह इतने परफेक्ट थे, जैसे यीशु मसीह परफेक्ट थे हमें भी वैसे परफेक्ट होना चाहिए, इतने परफेक्ट थे। ही प्लीज द स्कल्प्टर एंड इंस्पायर्ड हिम सो मच अंटिल ही स्मोट हिम एट कैलवरी। माइकल एंजलो ने मूसा की पिक्चर को बनाया, पोर्ट्रेट को बनाया और कहा बोल, वो बोली नहीं। हमारे खुदा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। ओ माय, वी सी हिम एज द स्क्रिप्चर सेड गॉड्स मास्टरपीस, वी सी हिम स्मिटन स्ट्रिकन एंड अफ्लिक्टेड ऑफ गॉड, दैट इज द रियल मास्टरपीस। एज एंजलो स्ट्रक हिज, दैट्स व्हाट मेड हिम मास्टरपीस। जैसे माइकल एंजलो ने उसे मारा था, मूसा की फोटो को, आई मीन पोर्ट्रेट को, वो मास्टरपीस बने, उसी रीते से यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर मारे गए। ही वॉज स्मिटन, उनके ऊपर मार पड़ी और वो उन्होंने अपनी जान कैलवरी क्रूस के ऊपर दी उनको। लेकिन एक बात दिमाग में आई, मूसा की मूरत तो नहीं बोली, लेकिन जब हमारा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया उन्होंने सात कलमे बोले और यीशु मसीह लिखा हुआ बड़े सबसे चिल्ला करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इन्होंने कुछ बोला, बड़े सबसे चिल्लाया और वचन के अंदर लिखा है भोंडोल हुए, पृथ्वी तड़क गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और सोए हुए संतों की कब्रें खुल गईं और वो जी उठे। मसीह यीशु के जी उठने के बाद बहुतों को सड़क पर दिखा। ये मास्टरपीस ने कुछ बोला, मास्टरपीस ने कुछ बोला जब ये मारा गया कैलवरी क्रूस के ऊपर, इसके मुंह से एक आवाज़ निकली, एक रिजरेक्शन की आवाज़ निकली जिसमें से लोगों का रिजरेक्शन होने पाया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वही मास्टरपीस अब उतरने वाले हैं, वही मास्टरपीस फिर से आने वाले, बल्कि आ चुके हैं अभी से। और उन्होंने फिर चिल्लाया जोर से, शाउट की वॉइस ऑलरेडी हो चुकी है, ललकार और प्रधान सूत का सब खुदा की तुरी होने फूकने वाली है और हम जो मुर्दे जो प्रभु में सोते हैं वो जीवित हो जाएंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये मास्टरपीस है जो बोलते हैं। मूसा की मूरत से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे मसीह जब कैलवरी क्रूस के ऊपर मारे गए उन्होंने मुँह से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकली और बड़ी आवाज़ के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एंड नाउ वॉट मेड हिम एग्जैक्टली टू मी द मास्टर पीस टू मी एंड टू यूज, बिकॉज गॉड स्मोट हिम, ही स्मोट हिम एट द कैलवरी। ही हैड, खुदा ने ये मास्टरपीस को यीशु मसीह क्यों बन गए, भाई बहन हम कह रहे हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें पीटा कैलवरी के ऊपर। इफ़ ही हैडन बीन स्मिटन, वो मास्टरपीस नहीं बन सकते थे। मास्टरपीस बनने के लिए मारा जाना, हथौड़ा मारा जाना, कूटा जाना अवश्य है। मेरे भाइयों बहनों, यदि हम मास्टरपीस बने दुख और तकलीफ उठाना अवश्य है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, हम ये सोचें कि भाई हमारा हम बेड ऑफ रोजेज हैं, आराम के साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 12 चेलों का जीवन को देख लीजिए, एक यहुन्ना को छोड़ करके 11 यीशु मसीह के चेले, उन्होंने अपने प्राण की आहुति तक दे दी। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, हम क्यों मारें, हम क्यों अपना जान दें, आराम से रहो। नहीं 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 नहीं, यदि हमें मास्टरपीस बनना है तो हमें मारा जाना भी होगा। प्रभु के वचन के लिए कुछ स्ट्रेस सहना पड़ेगा, वचन के लिए कुछ तकलीफ उठानी पड़ेगी, वचन के लिए हमें धत्कारा जाएगा, वचन के लिए हमें बायकॉट भी किया जा सकता है, तभी तो मास्टरपीस बनेंगे। यीशु मसीह यदि शरीर के ऊपर मारा नहीं जाता तो मास्टरपीस नहीं बन सकते थे। भाई बहनों यही बता रहे हैं। ही वॉज प्रूवन देयर, ही वॉज सो प्लीज गॉड वॉज स्टिल, ही वॉज द ओनली मैन दैट एवर स्टूड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ दैट गॉड कुड स्माइट फॉर द रेस्ट ऑफ देम।
परफेक्ट वन वॉज मेटन फॉर द इम्परफेक्ट. हम तो इम्परफेक्ट थे, हमारी खातिर एक परफेक्ट को खुदा ने मारा. प्रभु का धन्यवाद करते. होल क्रिएशन दैट हैड फेल थ्रू आदम, इट वॉज रिडीम. जो पूरा क्रिएशन जो आदम के द्वाप करने के द्वारा गिर गया था, पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, वचन के अंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ने नहीं जा रहे उसके अंदर, और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. ये दूसरा आदम जब पीटा गया फॉर इम्परफेक्ट, ही वॉज परफेक्ट, लेकिन हम जो अधूरे थे, हम जो इम्परफेक्ट थे, हमारे अंदर कमियाँ थी, हमारे अंदर घटियाँ थी, हमारे लिए यीशु मसीह मारे गए और कूटे गए. द होल क्रिएशन दैट हैड फेल थ्रू आदम, इट वॉज रिडीम्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट. सारा के सारे कयानत जो आदम के द्वारा गिर गई थी, यीशु मसीह के द्वारा फिर से उसका छुटकारा हुआ. गॉड मास्टर पीस स्टूड द टेस्ट, खुदा के मास्टर पीस ने वो टेस्ट के खड़े रहे. वो हाउ डिड ही डू इट? बाय द वर्ड, वचन के द्वारा यीशु मसीह खड़े रहे. आज भी हम वचन के द्वारा खड़े रह सकते हैं. यदि हमें जीतना है संसार के अंदर शैतान की ताकतों से, आज हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन शैतान की ताकतों से. इसलिए वचन बताता है छठे अध्याय के अंदर की सारे खुदा के हथियार को हमें बांध लेना है, तभी हम जीत सकते हैं शैतान को. इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन प्रत्येक वचन से जो खुदा की वचन. ओ क्रिश्चियन फ्रेंड, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, खुदा के हर एक हथियार को बांध लो. डोंट स्टैंड बैक विद सम लिटिल आइडिया ऑफ सम क्रीड और समथिंग दैट यू आर स्टैंडिंग बाय. किसी आइडिया कुछ क्रीड के द्वारा खड़े नहीं रही. खैर, हम लोग क्रीड से आज बाहर निकल चुके हैं. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आज हम सॉलिड वचन के ऊपर खड़े हैं, आज हम सॉलिड मैसेज के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़े हुए हैं. हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड व्हेन यू गो टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी लाइक आवर लॉर्ड डिड. वचन के द्वारा उसे हराया जा सकता है. ही शोड दैट हाउ द वीकेस्ट ऑफ क्रिश्चियन कैन डिफीट सैटन. कमजोर से कमजोर क्रिश्चियन यदि वचन उसके अंदर है, वो पावरफुल शैतान को हरा सकता है. वचन के आगे शैतान खड़ा नहीं रह सकता. आप सोचोगे मैं तो कमजोर इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो वचन हमारे पास है ना, जो मैसेज हमारे पास, ये एटम बॉम्ब है. इस एटम बॉम्ब के सामने शैतान की सारी सेना और शैतान लूसीफर खुद खड़ा नहीं हो सकता. ये ऐसा बड़ा एटम बॉम्ब खुदा ने हमारे हाथ में दिया है. ये मैसेज जो एटम बॉम्ब हमारे हाथ में दिया है ना, इसके द्वारा शैतान को हम हरा सकते हैं. शैतान जीत ही नहीं सकता, शैतान खड़ा रहेगा ही नहीं, शैतान भागेगा. कोई सोचे अरे मैं तो नाजुक सी बहन हूँ, कोई सोचे भाई अरे मैं तो नाजुक सा भाई हूँ, जी नहीं जी नहीं. हमारे पीछे एक बड़ी भारी पावर है, हमारे पीछे एटॉमिक पावर से भी बढ़कर पावर है. संसार एटॉमिक पावर से डरता है, लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी पावर है, खुदा की सामर्थ्य है. हमारे पास खुदा की शक्ति है, जो महान यूनिवर्स का बनाने वाला है, वो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, वचन के पीछे. मेरे भाइयों बहनों, हमें किस बात का डर होना चाहिए? हमें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं किसी भी परिस्थिति के अंदर. डॉक्टर कह रहे अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, वचन बताता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए. इसको वचन को पकड़ लेना है सिर्फ, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए. डॉक्टर साहब हम चंगे हो गए. खुदा का बहुत बहुत, जब तक खुदा ना चाहे हम इस पृथ्वी से नहीं जा सकते. खुदा ही जब बुलाना चाहे तभी वो हम यहाँ से जा सकते हैं, और अदरवाइज शैतान की कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं है. क्या कोई बीमारी, या कोई नंगाई, क्या कोई तन्हाई, या कुछ भी चीज़ क्या हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती? पौलुस कहते हैं कुछ नहीं अलग कर सकता. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. भाई बहन हम यहाँ पे कह रहे हैं ही हैड द पावर्स. यीशु मसीह पास पावर थी. जब शैतान जब आया था, यीशु मसीह पास इतनी पावर थी, शैतान को उस पावर से, मुंह के बोले हुए वचन से, शैतान को खुदा यीशु मसीह हरा सकते थे. पावर इस्तेमाल करते बन जा. आज भाई ब्रैनम को सामर्थ नहीं दी थी. यू हैव गॉट द पावर टू बाइंड द मांबा एंड यू हैव गॉट द पावर टू ओपन द मांबा. यीशु मसीह पास वही सामर्थ थी. वो शैतान को बांध दे सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया.
उन्होंने यही कहा, इट इज रिटन, उन्होंने कहा ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। मेरे पास पावर है, तुझे बांध दूँ, हाँ बन जाएगा, जब तक मैं ना खोलूँ बंधा रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस पावर को इस्तेमाल नहीं करी, उन्होंने कहा ये लिखा है शैतान, ये लिखा है शैतान, ये लिखा है शैतान है। नाउ दैट वॉज अ परफेक्ट मास्टर पीस एंड गॉड स्मोट इट। वॉट एन एग्जाम्पल इट वॉज, वॉट ए रियल थिंग। टॉक अबाउट माइकल एंजलोस पीस ऑफ सपलकर ओवर देयर बाय मोसेस बीइंग स्मिटन ऑन द लेग। द बाइबल सेड दिस मैन वॉज मार्ड अबाउ ऑल मैन, ही वॉज मार्ड सो मच टिल ही डिडंट इवन लुक लाइक ए सन ऑफ मैन। इतना मारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को, खून पसीना सारा कांटों का ताज लगा दिया कि वो एक इंसान भी नहीं लग रहा था। इतना उनकी शक्ल सूरत सारी छवि बिगड़ चुकी थी, वो पहचाना नहीं आता। हमने पढ़ा वचन में, वो इतना मारा गया, वो पहचाने नहीं आते थे। वो इस तरीके से हमारे मास्टरपीस को, खुदा के मास्टरपीस को मारा गया, पीटा गया। ही वॉज ब्लडी, ही वॉज स्ट्रिप, उनके कपड़े उतार दिए। एवरीथिंग दैट कुड बी डन, ही लुक जस्ट लाइक ए बिग पाइल ऑफ ब्लड, पूरे तरह पूरा खून 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 बह रहा था। एंड बोन्स वॉकिंग टुगेदर, ऐसा लग रहा था हड्डियाँ सिर्फ चल रही हैं। 39 कोड़े मारे और सारा मांस खींच करके ख़त्म कर दिया। सोच करके देखिए, एक कोड़ा ही आप खा लोगे ना तो परेशान हो जाओगे। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं मेरे भाई। और कोड़े ऐसे नहीं थे, कोड़े हुक थी, मारो और जब खींचते थे तो मांस बाहर निकल करके चला। इमेजिन करिए, हमारे प्रभु ने हमारे और आपके लिए क्या कुछ नहीं सहा, और आज हम उनको तिरस्कार करके चले जाएं, एक छोटे से कमांडमेंट को ना माने। बाइबल कहती ये करो, मैसेज ये कहता ये करो, तो ना करें, तो कैसी हालत होती होगी। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ ना नहीं सहा, हाँ सारा खून बह रहा था, पूरी बॉडी सिर्फ ब्लड से सनी हुई थी, हड्डियाँ दिख रही थी, मांस तो था ही नहीं, सारे कोड़ों की हुक ने खींच खींच के निकाल डाला था। ही डिडंट इवन लुक लाइक ए ह्यूमन बीइंग एज ही ड्रैग अप टू कैलवरी। गॉड स्मोट हिम फॉर अस। ये सब सारा काम खुदा ने किसके लिए किया, मेरे और आपके लिए किया। ओ प्रभु, हम गुड फ्राइडे को सिंपल मान करके चले जाते हैं, खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया मेरे भाई। यदि किसी इंसान को यदि रियली में इसका विजन मिल जाए, ये इसको खुद वो देख पाए, मेरे भाइयों बहनों हम जो हैं वो कभी नहीं रहेंगे। हमको दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों बहनों, हमारा जीवन टोटल बदल जाएगा। सोच करके देखिए, कोई आपके लिए खूना खून हो रहा है, कोई आपके लिए मार खा रहा है, कोई आपके लिए कांटों का ताज पहन करके कैलवरी क्रूस को ऊपर लेकर के जा रहे, और आपसे सिगरेट नहीं छूटती, आपसे बीड़ी नहीं छूटती, आपसे शराब नहीं छूटती, आपसे मेकअप नहीं छूटता, आपसे दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें नहीं छूटती, तो हमारे प्रभु ने मेरे आपके गुनाहों की खातिर क्या कुछ नहीं सह लिया। मेरे पास मेरे भाइयों बहनों, ये सारी चीज़ें पढ़ करके रोना आएगा, आंसू बहेंगे मेरे भाइयों बहनों। आप यदि इसे पढ़ के सोचोगे, प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा, हमारा प्रभु, हमारा प्रिय प्रभु, कितना धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु का कितना धन्यवाद हो। हालेलुया, वो हमारे लिए कुछ ले गए, हमारे लिए उन्होंने मौत तक सह ली, लेकिन उफ तक नहीं किया उन्होंने, हड्डी हड्डी हो गए। और इसीलिए आज भाई बहन हम कह रहे हैं वो हमारे मास्टर पीस हैं। ओ हाउ आई लव हिम दैट डिड फॉर मी, नो वॉट ही डिड फॉर यू, हाउ कुड वी मैच इट, नो वन कुड मैच इट, नो बडी इज वर्दी टू मैच इट, वी वर हियर विदाउट होप, वी हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम यीशु मसीह के साथ मैच नहीं कर सकते अपने को, हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती हमारे खुदा के साथ साथ, वी विदाउट गॉड, वी विदाउट एनी वे ऑफ रिडेम्पशन, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उनको ये अच्छा लगा कि मुझे और आपको अपनी दुल्हन बनाए। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लगा कि वो मुझे और आपको अपनी दुल्हन बनाए। और दुल्हन सबसे प्रिय चीज़ होती है,
यीशु मसीह की सबसे प्रिय चीज यदि कोई आज दुनिया में उनके लिए कोई है तो उनकी प्रिय दुल्हन है जो यहाँ पर उसका हिस्सा बैठी हुई है। ये रियलाइजेशन हमें जिस दिन हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों, संसारिकता खत्म हो जाएगी, पूरी रीति से खत्म हो जाएगी। पुलपिट से भाई आशीष को कहना नहीं पड़ेगा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, कहने के बिना ही सबको अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम रियलाइज करेंगे उस सेक्रीफाइस को जो खुदा ने मेरे और आपके लिए किया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। टाइम होता चला जा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाउ वी नोटिस दैट गॉड बिगिन टू मेक हिम अ ब्राइड फॉर द क्राइस्ट। अब खुदा मसीह के लिए जिन्होंने इतनी हमारे लिए अपनी जान दी, एक दुल्हन तैयार कर रहे हैं। सो एंड द ब्राइड मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ हिम एंड इन हिम। तो अब जब खुदा हमें अपने दुल्हन बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, हमें उनके साथ आइडेंटिफाई होना है। बिकॉज ब्राइड मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ हिम एंड इन हिम बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ हिम नाउ। द ब्राइड इज पार्ट ऑफ हिम, शी इज़ पार्ट ऑफ हिम, द वर्ड फॉर दैट डे, द ब्राइड बिकम पार्ट ऑफ दैट वर्ड। हमें वचन का हिस्सा बनना है। यदि हम उसकी दुल्हन हैं तो हम वचन का हिस्सा बनेंगे, जो वचन कहता है वही करेंगे। नाउ यू बिलीव दैट कॉन्ग्रीगेशन सेज आमेन। वी हैव टू बी इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट वी हैव टू बी क्राइस्ट, इन क्राइस्ट पार्ट ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह में होना है, हमें मसीह बनना है, हमें मसीह का हिस्सा बनना है, तभी तो हम उसकी दुल्हन बन सकते हैं, अदरवाइज उसके नहीं बन सकते। वॉट इज ए वुमन विच टेक्स अ मैन और ए मैन टेक्स ए वुमन, दैट वुमन हैज टू बी पार्ट ऑफ हिम, दैट मैन हैज टू बी पार्ट ऑफ हर। दे आर नो लॉन्गर टू, दे आर वन। हमें और मसीह को एक होना है। अब ये नहीं समझना कि मसीह अलग है, आप हम अलग है, ऐसे स्थिति में पहुंचता है हम और मसीह एक है। एंड व्हेन गॉड एंड क्राइस्ट बिकम वन, दे वर वन। गॉड वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश, द फ्लैश एंड द वर्ड बिकेम वन। एंड व्हेन द चर्च बिकम क्राइस्ट ब्राइड, शी एंड द गॉस्पेल आर द सेम। और जब चर्च मसीह की दुल्हन बन जाता है तो चर्च और वचन एक हो जाता है। हमें वचन के साथ एक होना चाहिए, हमें मैसेज के साथ एक होना चाहिए, तभी हम मसीह की दुल्हन बन सकते हैं, अदरवाइज हम मसीह की दुल्हन नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर भाई बहन हम कह रहे हैं हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, हमें अपने मसीह के साथ हमें आइडेंटिफाई करना है। आई एम आइडेंटिफाइड विथ हिम इन हिज डेथ, आई डाइड विथ हिम। अपने आप को ये सोचना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मैं भी मसीह के साथ मारा गया, मैं भी मसीह के साथ गाड़ा गया। बपतिस्मा हमें बताता है, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया, और बपतिस्मा हमें क्या बताता है, यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, और जैसे मसीह तीसरे दिन जी उठा हम नए जीवन की चाल चले। हमें आइडेंटिफाई होना मसीह के साथ। आई एम आइडेंटिफाई विथ हिम इन डेथ, आई डाइड विथ हिम व्हेन ही डाइड एट कैलवरी, एंड आई रोज अगेन ऑन ईस्टर मॉर्निंग विथ हिम। जैसे वो जीवित हुए हम भी जीवित हो गए इन द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। आई एम ए विटनेस ऑफ इट टुनाइट। भाई बहन हम कह रहे हैं मैं इसका विटनेस हूँ। हमें ऐसे देखना है कि मसीह के साथ हम मर रहे हैं, मसीह के साथ हम गढ़ रहे हैं, और मसीह जैसे जीवित हो रहे हैं हम भी उनके साथ जीवित हो रहे हैं। हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसे इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। आई वॉज आइडेंटिफाई विथ हिम इन हिज सफरिंग, आई वॉज आइडेंटिफाई विथ हिम when the denomination turned him down, I was identified with him when they run him out of the temple, when they tried. हर चीज़ जो यीशु मसीह के साथ हुई। अपने आप को मेरे भाइयों बहनों आइडेंटिफाई करके देखिए, तब हम मसीह के सेक्रीफाइस को जो उन्होंने हमारे लिए किया तब हम समझ पाएंगे। अदरवाइज पुलपिट से कितना भी प्रचार हो सके, कितने भी गुड फ्राइडे के मैसेजेस आ चुके, कितने भी ईस्टर के मैसेजेस आए, हमें कोई लाभ नहीं होगा जब तक अपने आप को यीशु मसीह के साथ हर स्टेज में, हर अवस्था में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दे से भाई बहन हम कह रहे हैं नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड मे से, दे मे कॉल यू क्रेजी। भाई बहन हम कह रहे हैं इससे कोई सरोकार नहीं, जब आप मसीह के समान बन जाएं, मसीह के समान जीवन व्यतीत करने लग जाएं, वर्ल्ड विल कॉल यू क्रेजी।
हिस्टेरिकल और बाल जबूत और हेरेटिक्स वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी, वो कहेंगे पागल हो गया, ये बाल जबूल हो गया या इसका दिमाग फिर गया, जो कह रहे हैं वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी, आई स्टिल वॉन्ट टू बी आइडेंटिफाइड विद दैट ग्रुप। चाहे कुछ भी कहते, अरे तुम तो कल्ट के साथ चले गए, अरे तुम तो कल्ट में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल आई वॉन्ट टू बी आइडेंटिफाइड, आई एम स्टिल देयर, आई विल रिमेन देयर, आई वॉज बॉर्न देयर, आई वॉन्ट टू स्टे देयर, मेरा जन्म ही, हमें ऐसा सोचना है, मैं यहीं तो पैदा हुआ था, यहीं पर इसी वचन में तो मेरा जन्म हुआ है, इसी मैसेज में तो मैं पैदा हुआ हूँ, आई ऑलवेज बी देयर बिकॉज गॉड प्लेज मी देयर, क्योंकि खुदा ने मुझे वहाँ रखा है। आई एम, आई लेफ्ट माई चर्च टू कम आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद बंच ऑफ होली रोलर, आई एम वन ऑफ देम, आई एम आइडेंटिफाइड देम, मैंने सारे संसार को छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं इनमें से एक हूँ, दे से बिली यू हैव लॉस्ट योर माइंड। भाई बहनम ने जब ऐसा कहा लोगों को, तो लोगों ने कहा अरे बिली यू हैव लॉस्ट योर माइंड, ऐसा हमें भी कहेंगे, अरे तुम कहाँ जाते हो संडे को दिन भर, क्या करते हो दिन भर, कहाँ रहते हो दिन भर, क्या तुमने आभूषण उतार दिए, अरे तुम्हारा कोई फैशन नहीं है, अरे तुम ये नहीं कर रहे, अरे तुमने वो सब छोड़ दिया, तुम लोग पागल हो गए हो। मे बी आई डिड दैट बट आई फाउंड द माइंड ऑफ क्राइस्ट। लोग हमें कह दें अरे तुमने पागल हो गए हो, कहने दीजिए, लेकिन हमको खुदा का माइंड मिल गया है। एक माइंड जो दुनिया का था वो चला गया, लेकिन खुदा का माइंड हमें मिल गया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आई फाउंड हिज वर्ड, फाउंड हिज प्रेजेंस, फाउंड दैट ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर, केयर व्हाट एनीबॉडी एल्स थिंक्स अबाउट इट, जो कोई कुछ कहना चाहता है कहने दीजिए, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए, दिस इज मी, आई एम द वन दैट हैज टू मेक माई आइडेंटिफिकेशन। एक इंडिविजुअल को अपना आइडेंटिफिकेशन बनाना है, संसार को नहीं बनाना है, हमें अपने आप को बनाना है, जो वो कहते हैं कहने दीजिए, अपना आइडेंटिफिकेशन मसीह के साथ एक इंडिविजुअल को बनाने का, आई एम आइडेंटिफाई विथ हिम बाय गॉड्स वर्ड, ही सेड दीज साइंस आर फॉलो देम दैट बिलीव, आई एम ग्लैड आई एम आइडेंटिफाइड इन दैट, यस सर, हमें उनके साथ आइडेंटिफाइड होना है। भाई बहन हम कह रहे हैं यू नो द ओल्ड मास्टर वायलिनिस्ट, वन टाइम यू हर्ड द स्टोरी, एक ओल्ड वायलिन का ऑक्शन हो रहा था, कोई उसे खरीदना नहीं चाह रहा था, ऑक्शनर कह रहा था वह एक में जा रहा है, दो में, दो डॉलर में जा रहा है, दो ढाई डॉलर में जा रहा है, कोई उस पुराने ऑक्शन को खरीदना, वायलिन को खरीदना नहीं मांग रहा था, लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड बुजुर्ग खड़ा हुआ था, एक ओल्ड बुजुर्ग वहाँ पर खड़े हुए थे। ग्रे हेड मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑडियंस, यू नो द स्टोरी, पिक्ड इट अप, उन्होंने तारों को थोड़ा ठीक किया और उन्हें बजाने लगा। हमारे युग में बाइबल के ऊपर धूल जम गई थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों में खुदा को बांट दिया था, लेकिन एक आए वायलिन बजाने वाले, उन्होंने इस बाइबल को उठाया, वचन के ऊपर से सारी धूल हटाई, सारे भेदों को खोल दिया और वो वायलिन बजाने लगे। खुदा का बहुत धन्यवाद हो, तब वहाँ पर वायलिन की कीमत बहुत ऊंची चली गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एक वायलिनिस्ट को खुदा ने हमारे युग में भेजा, एक वायलिनिस्ट है आज भी जो वायलिन बजा रहा है, वायलिन की सफाई कर करके तारों को एडजस्ट करते करते आज भी एक हमारे बीच में है वायलिनिस्ट, जो वायलिन हमारे लिए बजा रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। व्हाट वाज इट, ही इज मेकिंग अ ब्राइड, खुदा दुल्हन बना रहा, यस सर, ही इज हुइंग द चिप्स नाउ, चॉपिंग ऑफ द वर्ल्ड, खुदा खुद वायलिन जब बजेगा सारे भेद खुलेंगे, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, जब वायलिन में ट्यून आ जाएगी तो सारी कमियां घटियां है ना सब निकलते चल जाए। ये वचन ये बताता है, वचन ये बताता है, मैसेज में ये लिखा है, मैसेज में ये लिखा है, मैसेज में ये लिखा है, जब सामने खुल करके बातें आने लगेंगी सारी गलतियां अपने आप कटती चली जाएंगी। वो वायलिन की ट्यून में जैसे जैसे आप अपने आप को डालोगे, रमो उसमें रमोगे, आप बदलते चले जाओगे, वायलिन की म्यूज़िक का आनंद आने लगेगा, वचन में आनंद आने लगेगा, दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पता ही नहीं चलेंगे कब चला गया, सुबह आए थे 9 बजे, रात के 10 बज गए, पता ही नहीं चलेगा समय कब चला गया, क्योंकि वायलिन ऐसा बज रहा है, ऐसी नई नई ट्यून है
निकल करके चली आ रही है, समय का पता ही नहीं चलेगा, आनंद में लुप्त हो जाएंगे हम प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ही इज मेकिंग द चिप्स, चॉपिंग ऑफ द वर्ल्ड, ओ चर्च joining in creeds and denomination dogma, all has to be cut away from the church, their formal ideas, their indifference, their doctrine and thing. Come back and let the master pick up the bow. Aa jaiye aur master ke haath mein apne aap ko saunp dijiye, master ko wo dhanush ko uthane dijiye, master ko wo pahlan ko uthane dijiye aur hamare liye master ko bajane dijiye. Let the master pick you up in his hand. Strike the word, say Jesus Christ is the same yesterday and today. वो धुन जब बजेगी यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक से है, जो कुछ भी आप मांगोगे पिता से मेरे नाम में और विश्वास करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम उस म्यार के ऊपर आ जाएंगे। और सो यू सी ही हैज कट वॉन्ट्स टू कट द चर्च आउट जस्ट लाइक ही डिड द सन आउट, लाइक जैसे यीशु मसीह को काटा गया मारा गया वैसे ही अब वो चर्च को काट करके निकाल रहे हैं। और ही डिड द ब्राइड, और वो एक ब्राइड को निकाल करके लेकर आ रहे हैं टू जो कि उनकी दुल्हन बने। यू मस्ट बी पार्ट ऑफ हिम, नॉट पार्ट ऑफ द क्रीड वगैरह के। आपको अब भाई बहन हम कह रहे हैं दुल्हन का हिस्सा होना है। द ग्रेट सपलकर इज काउंटिंग ऑन यू विलिंग टू स्टैंड एंड हैव योरसेल्फ शेड into likeness of his requirement, that his word requires in the last gates कपल कर खड़ा हुआ है और वो हमें अपनी likeness में बनाने के लिए तैयार खड़ा है। जैसा उनका वायदा है उसके अनुसार वो हमें काट रहा है और हमें छाटने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हमें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा उसके हाथ में, उनके हाथ में सौंपना पड़ेगा। जैसे मिट्टी कुम्हार से कुछ नहीं कहती, अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप दो। वो सफल कर वो खड़े हुए हैं है? और वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे जीवनों को काट छांट के बनाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जैसा उन्होंने कहा था, इन द लास्ट डेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश, योर सन्स एंड डॉटर्स शैल प्रोफेसी, तुम्हारे बेटे बेटियां प्रोफेसाई करेंगे। आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल लूँगा। वो खड़े हुए हैं अपनी आत्मा उंडेलने के लिए, अपने आप को उनके हाथ में दे दीजिए और उन्हें जो भी करना है, हमें जैसा भी काटना है छाटना है, हमें उफ नहीं करना है, हमें ऊँ तक नहीं करना है, उन्हें काटने दीजिए छाटने दीजिए, तभी तो मंदिर में फिट हो जाएंगे। सुलेमान के समय में पत्थर काटे गए छाटे गए और इस तरीके से काटा गया कि मंदिर में आकर के फिट हो गए, तब हम ब्राइट के मटेरियल बन जाएंगे जब वो ग्रेट शिल्पकार हमें काटेंगे छाटेंगे अपने अनुसार। अपनी आइडिया नहीं लगाना, कहना प्रभु जी नहीं 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 यहाँ से मत काटिए, प्रभु यहाँ से काटिए, कुछ नहीं, उनको अपने अपने आप को उनके हाथ में छोड़ दीजिए। जैसा वो काटना चाहते हैं, जैसा वो हमें छांटना चाहते हैं, जैसा कारीगरी वो हमारे ऊपर करना चाहते हैं करने दीजिए। उनका वायदा है, मैं अंत के समय में अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु जी अपने आप को हम सबमिट करते हैं, आप अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजिए। प्रभु के हाथ में अपने आप को सबमिट कर दिए। Now, brethren, God had a masterpiece then to present to world. Now He wants a masterpiece today. Are you willing? खुदा के पास तो masterpiece था जो उसने संसार को project किया, जो संसार के सामने उन्होंने उन masterpiece को लेकर के आए, जिन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी। अब now He wants a masterpiece today as His bride. मैं जैसे हमने पहले पढ़ा, अब वो एक masterpiece तैयार कर रहा है अपनी दुल्हन के लिए, हमें अपने दुल्हन के वास्ते। आर यू विलिंग, आर यू रेडी माई क्रिश्चियन फ्रेंड, आर यू हियर टू शेयर, आर यू रियली श्योर दैट योर लाइफ इज सो रिफ्लेक्टिंग फॉर क्राइस्ट नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज। क्या आप पक्का है कि आपकी जीवन मसीह को रिफ्लेक्ट करेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कहे अरे ये तो विधवा हो गई, अरे ये तो ये हो गए, कहने दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप अपने आप को उस मास्टर क्राफ्टमैन के हाथ में सबमिट करने को तैयार हैं? भाई बहन ना पूछें, आर यू रियली श्योर दैट योर लाइफ इज सो रिफ्लेक्टिंग फॉर क्राइस्ट नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड से दे से यू लॉस्ट योर माइंड। वो कहेंगे तुमने अपना माइंड खो दिया है, यू गॉन क्रेजी, तुम पागल हो गए हो, यू वेंट एंड जॉइन दैट बंच ऑफ होली रोलर। वो कहेंगे आप तुगलकाबाद चले गए हो,
आपने वो मैसेज बिलीवर के चर्च को ज्वाइन कर लिया है, आज आपने जाके पास्टर लाल के चर्च को ज्वाइन कर लिया है, उन्हें कहने दीजिए, बट आर यू विलिंग टू बिकम मास्टरपीस? डोंट यू पे नो अटेंशन टू दैट? आप इसके ऊपर कोई भी ध्यान मत दीजिए, लोगों को कहने दीजिए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए. इफ यू आर नॉट रियली ट्रूली सेव एंड इन दैट बॉडी एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज इन यू एंड रिफ्लेक्टिंग इटसेल्फ एंड द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज रिफ्लेक्टिंग आउट ऑफ यू ब्रदर सिस्टर, डोंट यू टेक दैट चांस. यदि आप ट्रूली सेव नहीं हो, यदि मसीह की लाइफ आपके अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये जांचने का समय है, ये मौका है कि मसीह की लाइफ हमारे अंदर से जीवित प्रकट हो. यदि नहीं हो रही है, भाई बहनम कह रहे चांस मत लेना, चांस बिल्कुल मत लेना. मसीह यीशु की लाइफ हमारे अंदर से प्रकट होना अवश्य है, क्योंकि समय खत्म हो गया है, एंड टाइम आ चुका है, समय खत्म हो गया है. किसी समय भी वो आ सकते हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए. यदि जरा सा भी डाउट है कि मेरे अंदर होली गोस्ट नहीं है, जरा सा भी डाउट है मुझे रिफिलिंग की ज़रूरत है, तो चांस बिल्कुल मत लेना, खुदा के पास आ जाना, उसके सन्मुख अपने आप को झुका देना. और अपने आप को खुदा के अंदर सबमिट कर देना. डोंट ब्रदर एंड सिस्टर, यू डोंट टेक दैट चांस, बिल्कुल चांस नहीं लेना. अब चांस लेने का समय ख़त्म हो गया. आई डोंट केयर व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, लेट दैट वर्ड रिफ्लेक्ट थ्रू यू ईच डे. वो वचन आपके जीवन से रोज रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आप चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, कहीं के भी हो, वो वचन आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आई डोंट केयर व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, लेट दैट वर्ड रिफ्लेक्ट थ्रू यू ईच डे, बिकॉज गॉड इन हिज लास्ट डे इज टेकिंग अ ब्राइड फॉर हिज सन जीसस क्राइस्ट. और हमें उस ब्राइड का हिस्सा यदि बनना है, अपने आप को पूरी रीति से वो मास्टर क्राफ्टमैन के हाथ में सौंपना है. उन्हें काटने दीजिए, उन्हें छाटने दीजिए, वो बेटर जानते हैं. हम अपना माइंड ना लगाएं, बाहर के लोग जो कहना कहने दीजिए. अरे आप तो होली रोलर्स के साथ चले गए, आप तो फुगलाकाबाद के चर्च में चले गए, कहने दीजिए उसको. अपने आप को टोटली उस मास्टर बिल्डर के अंडर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि वो अपने लिए एक दुल्हन को बना रहे हैं. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप लोग बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा. आइए अपने सरों को झुकाएंगे. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस मास्टरपीस वाले संदेश के लिए. कैसे आप सर्वोत्तम रचना बने, खुदा की सृष्टि का मूल कारण, और कलवरी पे मारे गए ताकि हम एक मास्टरपीस बन सकें. धन्यवाद हो कि आज वो मास्टरपीस दुल्हन तैयार लगभग हो चुकी है, कि अब वापस आपसे मेल खाए और रैप्चर में जा सके. दुआ है खुदावन यीशु मसीह कि ये संदेश पे और इन बातों पे जो हमने आज सुनी, हमें मनन करने का फजल दें. तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें. शाम की सभा, आगामी हफ्ते की सभाओं को अपने हाथ में लें. दुआ है खुदावन हमारे बीच में जो बीमार हैं, आप उन्हें छुएं और चंगाई बख्शें. मैं मांगता हूँ उस बच्चे फिनहास के लिए जो कि भाई सुनील डेविड का है, एडमिट है खुदावन, जिसको कि शुगर की प्रॉब्लम है, आप उसको चंगाई दें और समस्या को भस्म करें. जिन जिन के पेट खराब हैं या सिर में दर्द है या ये फ्लू का या किसी चीज़ का भी असर है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में जाता रहे और सबको आप संपूर्ण चंगाई दें. खुदा यीशु मसीह आपका रहम हमारे साथ बना रहे. सारे आदर महिमा के योग आप हैं प्रभु यीशु मसीह. भाई टाइटस उनके परिवार को आप बड़ी बरकत और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो. हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें,
और जिस तरह माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, उनकी बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। I love him because he first loved me and purchased my salvation. यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है, आमीन। शाम की सभा 4 बजे और इस हफ्ते मंगलवार और थर्सडे की सभा नहीं होगी क्योंकि ये सेमिनार में गुजरेंगे, मीटिंग्स टेलीकास्ट होंगी, आप उसे घर बैठ के सुन सकते हैं। सो गॉड रियली ब्लेस यू। फिर आने वाले संडे जैसा हम लोग मिलते आए हैं, हम लोग मिलेंगे। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आप उससे मिल सकते हैं।